हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स. जैसे आपको पता है कि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, तो आज हम जितने भी टॉपिक्स करने वाले हैं, आज हम फिजिक्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें सारे टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एसएससी कई बार पूछ चुका है वो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं. क्योंकि सभी के सभी टॉपिक्स आपके ऐप पर अवेलेबल हैं, तो अगर आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं. अदरवाइज़ इस जो वीडियो होने वाली है ये फिजिक्स में पूरी कंप्लीट जो फिजिक्स है उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम लोग वो करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट से. यूनिट जिसको आप बोलते हैं मात्रक, होती क्या है? किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हो वो क्या हो गई? वो है आपकी यूनिट यानी मात्रक. जैसे अगर आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, तो आप अगर बनाना लेने जा रहे हो, केले लेने जा रहे हो, तो आप डजन्स में यानी दर्जन में या किलो में लेकर आते हो, तो वो क्या है? वो उसका एक मात्रक यानी यूनिट हो गई. तो यूनिट जब आप मात्रक के बारे में पढ़ रहे हो तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसको आप यूनिट या मात्रक बोलते हो. नॉर्मली मात्रक के यानी जो प्रणालियाँ होती हैं कि आप कौन सी यूनिट ले रहे हो, जैसे अगर आप बात कर रहे हो मास की, द्रव्यमान की, तो आप किलोग्राम में भी ले सकते हो, ग्राम में भी ले सकते हो. तो यानी अलग अलग मात्राएं होती हैं, अलग अलग मात्रक, अलग अलग यूनिट होते हैं. तो इस तरीके से कितनी प्रणालियाँ हैं, कितने सिस्टम्स हैं, कितनी ऐसे सिस्टम हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हो. तो देर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. तो कितने सिस्टम्स हो गए यूनिट्स के? 3 इकाइयों की 3 प्रणालियां होती हैं. सबसे पहली है MKS. MKS को ही SI सिस्टम बोलते हैं. तो MKS जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी इसमें लेंथ को, लंबाई को मीटर में नापेंगे, मास को यानी द्रव्यमान को. देखो MKS का मतलब होता क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये हो गया मास, सॉरी ये हो गई लेंथ की यूनिट, लंबाई की. ये हो गई आपकी किलोग्राम यानी मास की यूनिट, द्रव्यमान की. और ये है सेकंड यानी टाइम की, ठीक है, समय की. तो MKS का मतलब है लंबाई को मीटर में नापने वाले हो आप, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापने वाले हो, टाइम को सेकंड में नापने वाले हो. इसे ही SI प्रणाली बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में यही चलती है. इसके बाद आती है CGS सिस्टम यानी CGS प्रणाली. इसमें C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, तो लंबाई को आप सेंटीमीटर में देखने वाले हो. ग्राम का मतलब हो गया द्रव्यमान को ग्राम, यानी मास को आप ग्राम में देखने वाले हो, और टाइम को सेकंड में ही होने. थर्ड है FPS सिस्टम. FPS सिस्टम क्या है? FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, यानी इसमें जो लंबाई है वो फुट में होगी, जो आपका मास है, द्रव्यमान है, वो आपका पाउंड में होगा, और टाइम जो है वो होने वाला है आपका सेकंड में. तो ये 3 प्रणालियां होती हैं किसी भी चीज़ को मापने की, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी राशि को नापने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए. इसके बाद हम बात करते हैं आपके इन SI सिस्टम यानी जो SI प्रणाली होती हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 मौलिक मात्राएँ होती हैं. मतलब ये वो मात्राएँ हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी. देखिए, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे ना फिजिक्स में, आपको उसकी मात्रा निकालनी पड़ेगी कि इसकी क्या मात्रक बैठेगा, इसकी क्या इकाई बैठेगी. तो 2 तरीके की यूनिट्स होती हैं, 2 तरीके की राशियां होती हैं, जो क्वांटिटी होती हैं वो 2 तरीके की होती है. एक होती है बेसिक या फंडामेंटल, मौलिक, जो लर्न करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी. और एक होती है डिराइव्ड. डिराइव्ड का मतलब है जो आपने निकाली हैं फंडामेंटल से, मौलिक से. तो फंडामेंटल तो लर्न करने का क्या है, फंडामेंटल तो आपको कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपको बता दूंगी. लेकिन आपको जो डिराइव्ड हैं, जो आपने उनसे निकाली हैं, वो तो आपको निकालनी आनी चाहिए. कैसे निकालते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. लेकिन बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की यानी मौलिक मात्राओं की. तो जैसे लेंथ, लंबाई, उसकी जो इकाई होती है वो होती है मीटर. अगली मैं बात करूं मास की, तो मास की जो इकाई है, द्रव्यमान की जो इकाई है, वो है किलोग्राम. अगला है टाइम. आपने देखा 3 प्रणालियों में टाइम को सेकंड में ही नापते हैं, तो टाइम की जो इकाई है वो सेकंड है. अगला है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत प्रवाह, जो ये बिजली जाती है उसकी, तो उसकी हो गई आपकी एम्पियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ताप यानी टेम्परेचर, तापमान जिसको बोलते हैं, तो इसकी SI इकाई होती है केल्विन.
ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रदीपन तीव्रता कितनी तेजी के साथ कोई चीज जल रही है या चमक रही है उसकी होती है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, अगर केमिस्ट्री में आप केमिकल्स लेने जा रहे हो किलोग्राम में तो लोगे नहीं क्योंकि बहुत ज़रा ज़रा से डलते हैं, तो आप क्या करते हो एक नई यूनिट है, नई इकाई है जिसको बोलते हैं मोल, तो आप मोल में उस पदार्थ की मात्रा को लेते हो। तो ये हैं आपकी एसआई प्रणाली में, सबसे पहला क्वेश्चन एसआई प्रणाली के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7। दूसरा क्वेश्चन फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 में आपको इनकी इकाइयाँ इनकी यूनिट्स लर्न करनी होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं, ये कुछ यूनिट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन से यूनिट में कितने मीटर होते हैं या कितने किलोग्राम होते हैं। देखिए आपको लर्न करना है कह दो डीसीएम, ये सब कुछ मैं आपको चैप्टर्स में समझा चुकी हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो में से लगे कि ये वाला टॉपिक हमको अच्छे से करना है तो फिजिक्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं ऐप पर, आप कोई भी क्लास पर जाके पर्टिकुलरली उसी टॉपिक को देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कह दो डीसीएम की, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ओ का मतलब होता है अगर आप लंबाई ले रहे हो तो लंबाई की एसआई इकाई, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसकी जगह मीटर आ जाएगा। अगर आप ले रहे हो मास द्रव्यमान तो उसकी ओ का मतलब है यहाँ पे एसआई यूनिट पुट करते हैं, मास यानी द्रव्यमान तो उसकी एसआई इकाई क्या होगी, ग्राम, आप ग्राम पुट करोगे। ये हो गया किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली। अगर आप जा रहे हो इस तरफ मल्टीप्लाई होती है, अगर आ रहे हो उल्टा डिवाइड होता है, यानी मैं पूछ रही हूँ एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलो से मीटर तक जाना है तो आपने किलो के नीचे 1 लगाया, 0 लगानी शुरू कर दो मीटर जब तक नहीं आ जाता, ये रहा, तो 1000 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन हो जाए एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप उल्टा जा रहे हो डिवाइड कर दोगे 1000 से। इसके अलावा ये तो यहाँ से पता लग जाएगा, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़, कुछ यूनिट ऐसी होती हैं, कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं जो इस टेबल में नहीं है, जो आपको यहाँ से करनी है। जैसे सबसे पहला है माइक्रो यूनिट, तो माइक्रो यूनिट आप देखो, तो आपको अगर मीटर में कन्वर्ट करना बताऊँ, मीटर में इसमें को बदलना बताऊं, तो यहाँ पे ये 1000 आया यानी 10^3, फिर 10^2, क्योंकि जैसे जैसे जाओगे एक जीरो कम होती जाएगी, 10^1, 10^-1, 10^-2, क्योंकि अब आप जब डेसीमीटर से मीटर पे जाओगे तो होगा क्या, आप उल्टा जाओगे तो 10 से डिवाइड करोगे, ऐसे यहाँ आएगा 10^-3। ठीक है, अब मैं दो क्वांटिटीज आपको और बताती हूँ जो जस्ट इनके डबल होती हैं। किलो की डबल होती है मेगा, मेगा में आएगा 10^6, और मिली की डबल होती है माइक्रो, ये हो गया मिली, यहां आ गया माइक्रो 10^-6, ये है माइक्रो। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली इकाई है माइक्रो, जिसको आप म्यू से यू बनाते हैं, आप इस तरीके से दिखाते हो 10^-6 मीटर। नैनो, नैनो मैंने आपको क्लासेस में याद कराया था, नो से नो नैनो, तो 10^-9 मीटर होता है। पीको, पीको मैंने याद कराया था कि पीको कराने जाते हैं चुन्नी में किसी भी कपड़े में तो 12 रुपये में होती है, ऐसा नहीं है, सिर्फ याद कराने का तरीका है। तो पीको है 10^-12 मीटर, मेगा आ चुका है यही 10^6, और फेमटो में 10^-15 मीटर होते हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा आप एंगस्ट्रॉम भी देख सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होते हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा लर्न कर लीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं मोशन की, जिसको बोला जाता है गति। मोशन का मतलब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ, कोई वस्तु अपनी जगह से हिल रहा हो तो वो मोशन में है, यानी वो गति में है। तो अगर वो हिल रहा है तो वो मोशन में है, गति में है, और वो नहीं हिल रहा तो वो रेस्ट पे है, विराम अवस्था में है। तो उस बेसिस पे अब मैं आपको बताती हूँ कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी राशियाँ होती हैं, दो तरीके की होती हैं, या तो होंगी अदिश राशियाँ जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, या होंगी सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। देखो जब भी हम लोग हिलना शुरू करते हैं ना, हम कहीं जा रहे हैं, तो होगा क्या, हम या तो बस ये बता के जाएंगे घर पे कि हम यहाँ जा रहे हैं और इस टाइम तक आ जाएंगे,
या हम ये बता के जाएंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं और इस रास्ते से जाएंगे। तो ये दो केस मैंने आपको बताए हैं। तो ऐसा मोशन, ऐसी चीज जिसके अंदर आप ये तो बताओ ही कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन साथ में रास्ता भी बताओ, डायरेक्शन भी बताओ, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। सदिश का मतलब है सह प्लस दिशा, यानी इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। तो दिशा तो मिलेगी मिलेगी, डायरेक्शन तो आपको बतानी पड़ेगी, पर उसका परिमाण भी बताना पड़ेगा। परिमाण का मतलब आप कहाँ जा रहे हो, वैल्यू क्या है, उसका नाम क्या है, मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम सिर्फ 10 मीटर दूर जा रहे हैं। दूसरा आपने बोल दिया हम 10 मीटर दूर जा रहे हैं लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की तरफ जा रहे हैं 10 मीटर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने दिशा तो बताई बताई, डायरेक्शन तो बताई ही बताई है, साथ में आपने क्या बताया, उसकी वैल्यू बता दी। वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं परिमाण और इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया। तो जब आप डायरेक्शन भी बताओगे उसको सदिश राशि बोलते हैं, जब आप सिर्फ वैल्यू बताओगे, परिमाण बताओगे, दिशा नहीं बताओगे, उसको अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी फिजिक्स आप पढ़ोगे आगे तक, उनमें जो भी पढ़ोगे उसको डिवाइड करोगे कि ये कौन सी राशि है, स्केलर है या वेक्टर है, सदिश है या अदिश है। तो इसको लर्न करना एक तरीका है, जितनी भी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, जितनी भी चीज़ें आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये सारी की सारी स्केलर है। आपने किसी में डायरेक्शन नहीं बताई, सबके सब सदिश अदिश हैं। जितनी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, जैसे क्योंकि क्रैश कोर्स, जहाँ तक उम्मीद है आप सभी लोग अगर क्रैश कोर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं। नहीं भी हैं तो जो आप टर्म्स यहाँ पे यूज़ करोगे, जो आपको नहीं समझ में आएंगी, आप क्लास में से जाकर देख सकते हो, उनके बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपरली यहाँ पे बताऊंगी तो क्रैश कोर्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप क्या करोगे, जितनी भी आप नई चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको बोलते हैं, वेलोसिटी हो गया, स्पीड का डुप्लीकेट मैंने आपको समझा रखा है, एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया, जितनी नई चीज़ें पढ़ोगे वो सारी की सारी आएंगी सदिश राशियों में। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, बल फोर्स, संवेग मोमेंटम, बलाघूर्ण टॉर्क एक्सेट्रा। इसके अलावा अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज के क्या एग्जाम्पल हैं, स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम, वर्क, पावर। तो ये सारी टर्म्स ऐसे आप पहले से यूज करते हुए आ रहे हो, ये सारी की सारी, इनमें डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मैं बोल रही हूँ आपने काम किया है 50 जूल का, तो बस 50 जूल का काम मैटर करता है, किस डायरेक्शन में किया है वो मैटर नहीं करता। तो ये हैं आपके मोशन में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो है डिस्टेंस, जिसको दूरी बोलते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपने कितना रास्ता, जिस रास्ते पे आप चले हो या आपने जो कवर किया है उसकी लंबाई कितनी है। तो वास्तविक पथ की लंबाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसमें आप डायरेक्शन नहीं बताते हो। इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है मीटर, आपको पता है। और इसको किस साधन से, किस इसका क्या नापने कोई जो मशीन है उसको क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कार में, एक्टिवा में, यानी व्हीकल्स में दो जो वो होते हैं, एक पे जो स्केल होता है वो स्पीड दिखाता है, और एक पे यहाँ पे एक पट्टी होती है जिस पे यहाँ पे ये लेंथ आता है कि कितने मीटर एक्टिवा या कितने मीटर स्कूटी चल चुकी है। तो ये डिस्टेंस नापता है, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से इसको नापा जाता है। और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर आप एक जगह से पैर उठा के वहीं पे भी रख रहे हो तो कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आपने चला ही होगा। तो ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यानी विस्थापन की। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेसिकली, अगर आप देखिए, अगर आप एक पॉइंट ए से आप बी पॉइंट तक गए हैं, तो आपका डिस्टेंस मान लीजिए ये भी 5 मीटर है, 5 मीटर, 5 मीटर, ये सब 5-5 मीटर हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ डिस्टेंस बताओ, दूरी बताओ, आप कैसे बताओगे, सबको जोड़ दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी आप कितने मीटर चले हो, 35 मीटर।
अब मैं आपको बता रही हूं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहां से आपने शुरू किया है, इनिशियल पोजीशन जिसको बोलते हैं, यानी प्रारंभिक जो आपका पोजीशन होगी वहां पे, और फाइनल पोजीशन जो है उनके बीच का सबसे छोटा रास्ता, यानी इनको डायरेक्टली मिला दो तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सीधी सीधी लाइन होगी ए बी। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, जो बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है उनके बीच की सबसे छोटी दूरी। ये डायरेक्शन इसमें आपको बतानी पड़ेगी किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, सदिश राशि हो गई, ये नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि जहाँ पे डायरेक्शन का रोल आता है, जहाँ पे दिशा का रोल आता है। देखिए आप क्या मानते हो, आप ये मानते हो, आपको पता है चार नॉर्मली जो डायरेक्शन आप लेते हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो आप क्या मानते हो, आप यही मानते हो इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। जैसे मैथ्स में हम लेते हैं, अगर इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव और नीचे की तरफ जाएंगे तो भी नेगेटिव। तो डायरेक्शन बताने के लिए ये नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कोई बिल्कुल खत्म विस्थापित हुआ है, बिल्कुल किसी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन जो है वो उल्टी डायरेक्शन है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एक निश्चित दिशा में किसी पिंड द्वारा तय की गई सबसे छोटी दूरी। सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसके भी मीटर ही है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की, दूरी और विस्थापन दोनों की जो ऐसा इकाई है वो दूरी होती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो यानी ऋणात्मक धनात्मक और शून्य हो सकता है। और एक बात, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्योंकि सबसे छोटी दूरी है, ये डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट गया है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, अब इनके बीच में सबसे छोटी दूरी भी यही लाइन है, तो मान लीजिए 10 मीटर की लंबाई है इसकी, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 10 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो डिस्टेंस के दूरी के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है पर कभी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आ चुका है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की यानी चाल की। जैसे आप सब लोग पढ़ चुके हो बहुत बार, स्पीड का मतलब होता है कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में। तो इसका फॉर्मूला है दूरी बटे समय। इसकी जो ऐसा इकाई है वो है मीटर पर सेकंड। आपको मैं बता दूं, इन सबको याद करने का तरीका मैं चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, प्रॉपर लर्न करा चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको फटाफट से बता रही हूँ। तो ऐसा ही जो इकाई है वो मीटर पर सेकंड है। इसकी इंस्ट्रूमेंट किस साधन से आप इसको नापते हो, स्पीडोमीटर से नापते हो, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप समझो कि इसके अंदर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये बिना डायरेक्शन इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई है। बात करते हैं वेलोसिटी की यानी जिसको वेग बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस अगर लिया है तो स्पीड नाम आया। डिस्टेंस का डुप्लीकेट आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो स्पीड का भी डुप्लीकेट आ जाएगा वेलोसिटी, जिसको वेग बोला जाता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। ऐसा ही इकाई सबकी सेम होती है, ओरिजिनल और डिस्प्ले, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन दोनों की जो ऐसा इकाई है वो क्या है, मीटर। ठीक है, इस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग दोनों की ऐसा इकाई मीटर पर सेकंड है। और क्योंकि इसमें विस्थापन आ गया जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक सदिश राशि होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण की। एक्सेलरेशन को मैंने आपको याद कराया था एक्सेलरेटर से, जो स्कूटी में बाइक में होता है। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, आपकी वेलोसिटी बढ़ाता है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है आप समझ गए ना, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती और वेलोसिटी में डायरेक्शन देनी पड़ती है, तो एक ही बात है। आगे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी अगर आ गई तो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी में कितना चेंज आया बटे टाइम, यानी वेग, जो वेग का परिवर्तन है समय बटे समय अंतराल। जैसे अगर मैं बात करूं
जब शुरू हुआ तो हमारा वेग था 5 मीटर पर सेकंड का। जब हम कहीं पहुंच गए तो उस टाइम पे हमारा वेग था, वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, और ये सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर हमने कवर किया है। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, वेग में कितना अंतर आया, वेलोसिटी में कितना फर्क आया। बाद वाली में से पहले वाली माइनस करते हैं हमेशा, तो 10 में से 5 गए 5, अपॉन में हमेशा आता है टाइम, तो 1/2। इसके अलावा एक्सेलरेशन की जो इकाई होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे निकली है वो मैंने आपको चैप्टर में समझा रखा है, तो अभी के लिए सिर्फ लर्न कर लीजिए। ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर वेग बढ़ रहा है। अगर वेग घट जाए, आपने ब्रेक मार दिए, तो भी तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, उस त्वरण को क्या कहेंगे। क्योंकि त्वरण का मतलब या एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना। तो अगर ब्रेक मार दिया और वेलोसिटी घट गई तो उसको आप बोलते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी ऋणात्मक त्वरण, जिसका नाम होता है, जिसके कई सारे नाम हैं, जैसे डेक्सेलरेशन, इंग्लिश में कई सारे नाम हैं, हिंदी में बस मंदन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मंदन, इंग्लिश में कई सारे नाम हैं, जैसे डेक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, तो इसको रिटार्डेशन या डेक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसको मंदन के नाम से बताया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति की। तो अगर कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में, यानी एक वृत्त में, एक गोल रास्ते पर घूमता है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसकी स्पीड सेम रहती है, उसकी चाल सेम रहती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति। जैसे पृथ्वी, अगर देखो पृथ्वी सन के अराउंड, जो अर्थ है वो सन के अराउंड गोल गोल घूमती है, तो रास्ता फिक्स हो गया, लेकिन अर्थ की स्पीड भी फिक्स है। क्योंकि अर्थ की स्पीड अगर फिक्स नहीं होती तो जो दिन के आपका है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये फिक्स ना होता, एक साल में 365 दिन होते हैं, ये फिक्स ना होता, लेकिन अर्थ का सब कुछ फिक्स है। वो क्यों फिक्स है, क्योंकि अर्थ की स्पीड फिक्स है। तो अगर आप इस कांस्टेंट स्पीड, यानी एक समान चाल से चलता है, तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। और इसके अंदर आपको मैं बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आता है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में गोल घूमता है, तो वो जो गति है, वो जो घूम रहा है, उसमें त्वरण होता है या त्वरण नहीं होता। क्यों पूछा जाता है कि उसमें एक्सेलरेशन होता है या नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने जस्ट आपको अभी बताया, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आना, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे आ गया, एक समान गति है, वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, तो त्वरण तो नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज आना जरूरी है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, कि वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, जो त्वरण है उसमें परिवर्तन आना चाहिए अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी यानी त्वरण होता क्या है, नॉर्मली स्पीड ही है, चाल ही है, बस आपको उसमें क्या बताना पड़ेगा, साथ में डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब आपने डेफिनेशन में क्या बता दिया, स्पीड चेंज नहीं करनी, तो स्पीड तो फिक्स हो गई। तो अगर आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, त्वरण लाना है, स्पीड आप चेंज नहीं कर सकते, स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स है, तो टाइम भी आपका कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा। यानी आपके पास क्या बचा, आप किस में चेंज ला सकते हो, डायरेक्शन में। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी फिजिक्स के लिए कहीं भी आप जाओगे तो ये बात बिल्कुल सत्य, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो उसका हर सेकेंड, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। और डायरेक्शन कैसे पता लगती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, डायरेक्शन पता लगती है 90 डिग्री के एंगल से। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और आपको इस डायरेक्शन पे, जब ऑब्जेक्ट घूमता घूमता यहाँ पे आया, आपको यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या करो, इसको सेंटर से मिलाओ और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है और रस्सी से बंधा हुआ है, मैं रस्सी यहाँ से काट दूँ, इस पॉइंट पे अगर वो होगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ की अगर बात करूँ तो आप देख रहे हो हर पॉइंट पे अलग डायरेक्शन जाएगी। तो सर्कल के अंदर हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होती है, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो यही चीज़ मैंने समझाई है, एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो है त्वरित होता है यानी एक्सेलरेटेड होता है, क्योंकि
वेग की दिशा हर समय बदलती रहती है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो बार बार चेंज होती रहती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये. चलिए अब हम बात करते हैं इनर्शिया की, जिसको बोलते हैं जड़त्व. देखिए जैसे आपको पता है कि जितने भी पिंड हैं वो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, उसको बोलते हैं मोशन यानी गति. तो हम लोग जब हिलते हैं, जब हम लोग चल रहे हैं या हम कुछ भी मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं, या हम ये कह दें कि हमें भले ही ना पता लगे लेकिन हमारी बॉडी कुछ नियमों को फॉलो करती है अपने आप साइंस के अकॉर्डिंग. ये सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने तीन लॉ बताए हैं. न्यूटन के तीन नियम में से पहला नियम न्यूटन के साथ गैलीलियो ने भी बताया था, तो इसको गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. तो बात करते हैं इनर्शिया की, जड़त्व की. लॉ बाद में पढ़ेंगे, नियम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले ये पढ़ते हैं कि उस नियम के अंदर आया क्या है. उस नियम के अंदर एक शब्द का जिक्र हुआ है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व. इनर्शिया का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ. इनर्शिया का मतलब अगर बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बताऊँ, आलस. जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, वो हिलना ही नहीं चाहता. या मतलब मैंने आपको बोला ना, जो जैसा है वो वैसा रहना चाहता है. अगर कोई पहले से हिल रहा है तो वो ये चाहता है मैं हिलता रहूँ, मैं रुकूँ ही ना. अगर कोई पहले रुका हुआ है तो वो चाहता है मैं रुका ही रहूँ, मैं कभी चलूँ ही ना. तो इनर्शिया का मतलब है जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है. द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, यहाँ से मेन चीज़ है, बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट का मतलब रोकता है अपने अंदर आने वाले चेंज को, चाहे वो रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में अगर चेंज ला रहे हो, विराम अवस्था में है आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उसको भी रोकेगा. अगर वो मोशन में है, गति में है और आप तब उसको चेंज कर रहे हो वो उसको भी रोकेगा. तो वह गुण जिसके कारण शरीर अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करता है, तीन प्रकार का होता है. सबसे पहले है विराम का जड़त्व, जिसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं. का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम की अवस्था में है, वो चाहता है वो उसी में रहे, वो हिलना नहीं चाहता. लेकिन अगर आपके, फॉर एग्जांपल ये पेन है और ये मैंने रखा हुआ है हाथ पे, ये रेस्ट पे है, तो ये पेन ये चाहेगा मैं हमेशा रेस्ट पे रहूं. तो अगर मैं इसको हिलाने की कोशिश करूंगी तो ये अपने पार्ट पे, अपनी साइड से मुझे रोकने की कोशिश करे, पर मुझे रोक तो नहीं सकता है. तो रोकने का मतलब क्या है? रोकने का मतलब ये है, ये मुझे कब रोक पाएगा? ये मुझे सिर्फ तब रोक पाएगा जब इसका खुद का जो मास है ये इतना भारी हो कि मैं इसको उठा ना पाऊँ. तो ये जो इनर्शिया है ये डिपेंड करता है मास पे, ये आपको मैं बता दूँ, द्रव्यमान पे. क्योंकि कोई नॉन लिविंग है, अजीवित है, वो जिंदा ही नहीं है, वो कैसे रोकेगा? नहीं रोक पाएगा ना. तो ये डिपेंड करता है मास पे. अगर इसमें बहुत ज़्यादा वजन होगा तो मैं इसको नहीं हिला पाऊंगी, और भले ही मेरे कारण मैं नहीं उठा पाई, मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं इसको उठा पाऊँ, लेकिन नाम किसका आएगा? इसका आएगा, साइंस इसको बोलेगी कि अच्छा इसका मास इतना ज़्यादा है या इसका इनर्शिया इतना ज़्यादा है, रोक दिया खुद को चेंज होने से. तो सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन. अगर कोई चीज़ गति में है तो वो चाहेगी मैं गतिमान ही रहूं. मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आपने साइकिल पे पैडल मारा, एक पैडल मार के छोड़ दोगे तो वो चाहेगी बस ये पैडल से साइकिल चलती रहे. तो फिर साइकिल क्यों रुक जाती है? वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि अर्थ पे सिर्फ ये एक फोर्स काम नहीं कर रही, अर्थ पे बहुत सारी फोर्सेज हैं, बहुत सारे बल हैं. फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जिसको बोलते हैं, वो भी काम कर रहा है, तो वो रोक देता है. ये जो आप पढ़ रहे हो ना इनर्शिया जड़त्व, ये तब है जब कोई और फोर्स काम ना करे, बस यही फोर्स काम. तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का जड़त्व. अगर आप एक दिशा में जा रहे हो, आपकी बॉडी चाहेगी मैं उसी दिशा में जाऊँ. इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जब हम किसी माउंटेनियस एरिया पे जाते हैं, पहाड़ वाली जगह जाते हैं, जहाँ पे पहाड़ पे जा रहे हैं, गोल गोल हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो बस में क्या होता है, हमें झटके लगते रहते हैं साइड की तरफ, जिस साइड बस घूमेगी उस साइड की तरफ बस हमें झटका लगेगा. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में डायरेक्शन, हमारी बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती, तो जब डायरेक्शन फिर भी चेंज होगी तो हमें झटका लगता है. सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम. पहला नियम क्या है? जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक आप उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे. ये पेन अगर यहाँ रख दूँ तो 50 साल 100 साल तक ऐसा ही पड़ा रहेगा जब तक मैं खुद इसको नहीं उठाऊंगी, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी. तो ये है पहला नियम. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा.
अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक आप उस पर बाहरी बल नहीं लगाओगे। इसको आप गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो, गैलीलियो के जड़त्व का नियम के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्स की यानी बल की। ये बल होता क्या है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हो, खींच रहे हो, या आप फोर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे अंदर हो जिसकी वजह से हम दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे, जनरली कैसे होता है? आपने किसी को धक्का मार दिया, किसी को खींच लिया, तो पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, शरीर पर अभिनय को धक्का देना या खींचना। इसकी जो SI यूनिट है वो है न्यूटन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब आप किसी को भी धक्का दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक डायरेक्शन में ही धक्का देते हो, किसी को खींच रहे हो, फोर्स डायरेक्शन में ही लगती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको अलमारी खोलनी है, या आप, अगर मैं बात करूं, मैं इसी को प्रेस कर रही हूं, इस बोर्ड को प्रेस कर रही हूं, तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में प्रेस कर रही हूं, तो ये चीज़ मैटर करती है। तो ये एक सदिश राशि है, इसका CGS मात्रक है डाइन, CGS यूनिट डाइन है, और आपसे पूछ लिया जाता है इसकी SI मात्रक, SI यूनिट और CGS में फर्क बताओ। देखो, जो आपका SI सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, वो थोड़ा बड़ा सिस्टम है, CGS थोड़ा छोटा है। तो डाइन में एक न्यूटन में होते हैं 10^5 डाइन, ठीक है। अगली जो चीज आप पढ़ने वाले हो, दैट इज मोमेंटम, जिसको आप संवेग बोलते हो। मोमेंटम के कारण ही आप सारे काम कर सकते हो। मोमेंटम जनरली होता क्या है कि आपके अंदर कितना मास है, द्रव्यमान कितना है, और उस द्रव्यमान को लेकर अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ से कहीं ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कैसे ट्रैवल करूँगी? मेरा मास होगा कुछ ना कुछ, मेरा द्रव्यमान होगा, अपने बॉडी को लेकर ही ट्रैवल करेंगे ना, एक वेलोसिटी के साथ, एक संवेग के साथ। तो हम कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, हमें दो चीज़ों के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपने मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट काम कराएगा, यानी आपका जो मास है, जो द्रव्यमान है, और जो आपका वेग होगा, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से ही आप कोई काम कर पाओगे। तो उसको बोलते हैं मोमेंटम यानी संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और को डिनोट करते हैं पी से। फॉर्मूला क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, इसकी SI मात्रक कैसे निकाल सकते हो? मास की होती है किलोग्राम, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की मैंने जस्ट आपको अभी बताई है मीटर पर सेकंड। तो इसकी SI यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए एक बार हम पढ़ते हैं फटाफट से, आपने कितनी यूनिट्स पढ़ ली। तो सबसे पहले आपने पढ़ी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, वो मीटर थी। इसके अलावा फिर आपने पढ़ी स्पीड या वेलोसिटी, चाल या वेग की, इसकी जो इकाई है वो है मीटर पर सेकंड। फिर आपने पढ़ी थी एक्सेलरेशन यानी त्वरण की, त्वरण की इकाई थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अब आपने तीसरी यूनिट पढ़ी है मोमेंटम की, इसको संवेग बोला जाता है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैं आपको यही कहूंगी, इन्हें एक जगह पर लिख लीजिएगा, और एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले से रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए अगला है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ये नियम ये बोलता है कि आपको पता है आप कोई भी अगर काम कर रहे हो, वो अपने संवेग मोमेंटम की वजह से कर रहे हो, मास और वेलोसिटी की वजह से कर रहे हो। तो ये नियम ये कहता है कि जितनी जल्दी, अगर आप एक मोशन में हो ना, आप हिल रहे हो ना, तो आपके अंदर मोमेंटम हो गई होगा, संवेग हो गई होगा। तो जितनी जल्दी आप अपने संवेग को खत्म करते हो, जितनी जल्दी आपका मोमेंटम खत्म होता है, उतनी ही जल्दी फोर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो। लर्न करने का तरीका ये है कि जितना ज़्यादा आप कम बोलोगे, उतनी ही आपकी बात बहुत इफेक्टिव रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो सब लोग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप कम बोल रहे हो तो लोग को पता है कि आप बहुत कम बोलते हो, तो लोग आपकी बात बहुत ज़्यादा अटेंटिवली सुनेंगे। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपके मोमेंटम में कितना चेंज आया, संवेग में कितना चेंज आया, उस मतलब कितने टाइम में चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। वो आप कह सकते हो समानुपाती है किसके? बल के। यानी
कितना फोर्स बनेगा उतना ही बल बनेगा जितना चेंज आएगा, जितनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो उतना ही ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है गति में परिवर्तन और संवेग में आएगा, संवेग में परिवर्तन बटे समय के। और यहाँ से जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है फोर्स इक्वल्स एम ए। ये लर्न मैंने आपको क्लासेस में कराया था, फादर और मदर इक्वल होते हैं। न्यूटन ने बताया कि पहले नियम में बताया जैसे हो वैसे ही रहोगे, और दूसरे नियम में बताया जैसे हो वैसे ही रहोगे, आपके एटीट्यूड में चेंज नहीं आएगा क्योंकि मम्मी और पापा इक्वल हैं आपके। यानी आपको उन्होंने सिखाया फादर इक्वल्स मदर, इस तरीके से लर्न करोगे। तो एफ इज इक्वल्स टू माँ, फादर और मदर, मदर का माँ ले लिया। लेकिन साइंस में क्या है, एफ इज फॉर फोर्स, एम का मतलब है मास यानी द्रव्यमान, और ए का मतलब है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ये लॉ ये कहता है कि आप जो काम करोगे आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। बस ये जो हम आध्यात्म में पढ़ते हैं उससे अलग है, इसमें ये बोलते हैं कि जो जैसा काम कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसका फल मिलेगा। अगर आप, मैं इस बोर्ड को इस तरफ धक्का मार रही हूँ तो ये बोर्ड भी मुझे धक्का मारेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में धक्का मार रही हूँ ये इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा। तो हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन मिलता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और ये हमेशा दोनों एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे काम करता है। इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, विभिन्न वस्तुओं पर काम करता है। चलिए अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत समझाने से पहले आपको मैं बता दूं इसका, इसमें है क्या, इसका प्रॉपर जिस्ट क्या है। ये है, मान लीजिए यहाँ पे दो कार हैं, ये जा रही थी इस तरफ, ये जा रही थी इस तरफ। आपको पता है ना कोई भी चीज अगर मूव करेगी गति में रहेगी तो वो मोमेंटम होगा ही होगा, संवेग उसमें होगा ही होगा। तो इसका मोमेंटम है P1, इसका मोमेंटम है P2, ये टकरा गई, यहाँ पे कोलिजन हो गया, टकरा गई ये। तो अब क्या हुआ, टकराने के बाद इनकी स्पीड चेंज हो गई, मतलब जैसे जिस स्पीड से पहले चल रही थी अब स्पीड चेंज हो गई है। तो स्पीड चेंज अगर हो गई यानी वेलोसिटी अगर चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये चेंज कर दी तो आपका संवेग यानी मोमेंटम चेंज होगा ही होगा। तो इसका मैंने मान लिया, इसका मोमेंटम हो गया P3। ये देखो ये बॉडी थी A, ये बॉडी थी B, ये A और ये B, ठीक है। लेकिन टकराने के बाद इनका मोमेंटम चेंज हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का संरक्षण क्या कहलाता है, क्या कहता है कि अगर कुछ भी हुआ है दो बॉडीज के बीच में, वो टकरा गई, पहले जुड़ी हुई थी अलग हो गई, पहले अलग थी जुड़ गई, कुछ भी हुआ हो, उस काम के पहले का जितना मोमेंटम होगा टोटल, जितना संवेग होगा पहले, बाद में भी वो उतना ही होगा। यानी पी वन प्लस पी टू बराबर होगा P3 प्लस P4, आप इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो पहले इसका मोमेंटम 50 था और इसका भी मोमेंटम संवेग 50 था, टकराई, टकराने के बाद इसका 25 रह गया और इसका 75 हो गया, लेकिन इनका जो सम आएगा वो 100 ही आएगा। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर, जब दो या दो से अधिक पिंड एक दूसरे पर काम करते हैं, काम का मतलब टकरा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उनका जो कुल संवेग है वो स्थिर रहता है, लेकिन शर्त है कि कोई बाहर से बल कार्य ना कर रहा हो। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ बीच में तीसरा कोई कार वाला आ गया हो, उसने भी टक्कर मार दी हो। अगर दो बॉडीज ले रहे हो तो दो बॉडीज की बात कर रहे हैं, कोई तीसरी फोर्स काम नहीं करनी चाहिए। या इसकी एक और लैंग्वेज है, यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज, तो निकाय का कुल रैखिक संवेग स्थिर रहता है, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
चलिए अगला है सेंट्रिपिटल फोर्स. देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, अगर आप अपने हाथ में एक रस्सी लो, रस्सी के दूसरे कोने पे एक पत्थर बांध दो, गोल गोल घुमाओ, तो आपके हाथ पे जोर पड़ेगा और आपका हाथ क्या होगा, सेंटर, केंद्र बिंदु होगा. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है, सेंटर की तरफ एक बल लगता है और वो बल लगना जरूरी होता है. अगर वो फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट गोल घूम ही नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल. एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए पथ के केंद्र की ओर कार्य करने वाला बाहरी बल. फॉर्मूला क्या होता है उसका, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है. अब हम बात करते हैं वर्क की, यानी कार्य की. वर्क क्या होता है, काम, राइट. लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं गए हो, आप वहां पे पूरे दिन काम करके घर वापस लौट आए. साइंस के अकॉर्डिंग जीरो काम किया है. साइंस के अकॉर्डिंग साइंस क्या कहता है कि वर्क होता क्या है, जब आप कोई फोर्स लगाओ, कोई बल लगाओ, लेकिन बल लगने के साथ साथ ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो. अब आपने क्या किया, आप ए पॉइंट से गए हो बी पॉइंट पर, पूरा दिन आप काम कर रहे हो और शाम को आप वापस आ गए ए पॉइंट पर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से शुरू किया वहीं पे वहीं पे खत्म हो गए. तो इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा सबसे छोटी दूरी होती है ना डिस्प्लेसमेंट. विस्थापन क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस. इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, ए. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो. तो साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ कोई काम नहीं हुआ. तो वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है. दूसरी चीज, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल. वर्क की जो एसआई यूनिट है वो जूल है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड इसकी इकाई होती है. पेपर में क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि न्यूटन सेकेंड को कंबाइंड रूप से हम क्या लिख सकते हैं, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप इस तरीके से देख सकते हो, न्यूटन होता है फोर्स, सेकेंड, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये न्यूटन मीटर है, इसको ठीक कर लीजिएगा. ठीक है, मीटर हो गया आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप कुछ भी देख सकते हो. चलो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसकी यूनिट है, वो है वर्क का फॉर्मूला. तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस, यानी जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को कहीं तक हिला दे या विस्थापित कर दे. इसका एक और फॉर्मूला होता है, कई बार ऐसा है कि आपने क्या करा, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो इस तरफ और ये चल रहा है इस तरफ, तो इनके बीच में एक एंगल बन जाता है, ये डिस्टेंस है. तो इस केस में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एफ इंटू एस, ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला था, लेकिन अगर एंगल बन गया तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, आप ध्यान रखेंगे. अगला टॉपिक है एनर्जी यानी ऊर्जा. एनर्जी का मतलब क्या है कि आप कितना काम कर पा रहे हो. वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना. जितना काम करोगे मतलब उतनी ही एनर्जी थी इसलिए आपने उतना ही काम करा. तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसकी एसआई यूनिट भी जूल है, आप देख सकते हो. जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पिंड में जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. दो तरीके की होती हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक, क्षितिज और गतिज. यानी अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं बिल्कुल रुकी हुई हूं तो जो मेरे अंदर एनर्जी है वो पोटेंशियल है, स्थिर है, अभी स्थितिज ऊर्जा है. लेकिन अगर मैं यहाँ चलना शुरू कर दूँ, हिलना शुरू कर दूँ, तो मेरे अंदर आ जाएगी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी. तो दो तरीके की एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक. पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, ये दो कारण की वजह से हो सकती है, या तो आप रुके हुए हो. नॉर्मली पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा, रुकने वाली ऊर्जा होती है, दो कारण से होती है. या तो आप एक हाइट पर हो, कहीं पर हाइट पर खड़े हुए हो, तो सबसे पहली है हाइट की वजह से. दूसरी है अगर आपने अपनी शेप चेंज कर ली, जैसे धनुष होता है, धनुष बाण होता है, तो जब आप उसकी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने पे क्या हो गया, आपने उसकी जो स्ट्रिंग है, जो तार है, जो कमान है, उसको आपने खींच दिया, तो आपने शेप चेंज कर दी. स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो तो आपने शेप चेंज कर दी, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी. पर दो हैं तो दो अलग अलग नाम है. हाइट की वजह से होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, ये जमीन के ऊपर की स्थिति के कारण होता है, हाइट के कारण होता है.
अगली है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये होती है आकृति या आकार में परिवर्तन के कारण, ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, MGH। जब आप एक हाइट पे जा रहे हो तो आपका वेट एक हाइट पे जा रहा है, तो वेट का फॉर्मूला होता है MG। M का मतलब मास, द्रव्यमान, G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आप आगे पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, इनटू हाइट पे आप जा रहे हो, एक ऊंचाई पर आप जा रहे हो, तो MGH इसका फॉर्मूला होता है। अगली है काइनेटिक एनर्जी, ये वो ऊर्जा होती है जो मोशन की वजह से, गति की वजह से होती है। अगर आप हिल रहे हो तो आपके अंदर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो अगर मैं बात करूं हम लोगों के अंदर, हम जो काम करते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, स्थितिज और गतिज दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हम काम करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। अगर आपको याद हो एम और वी मोमेंटम में भी आया था, तो यानी इसमें और इसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप निकलेगी, इनमें कुछ ना कुछ संबंध निकलेगा, तो वो संबंध क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन टू एम, आप ऐसे याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा कौन गति में रहते हैं, हमारे पी एम रहते हैं ना, तो पी का स्क्वायर अपॉन टू एम। अदरवाइज कई बार पी की वैल्यू भी आपसे पूछ लेता है कि पी की वैल्यू बताओ, तो रूट टू एम के ई। तो ये आपके दो रिलेशनशिप्स हैं जो आपको लर्न करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे अभी आपने मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा, ऐसे ही सेम, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। एनर्जी के कंजर्वेशन का जो लॉ है वो ये कहता है कि ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो ना एनर्जी को ख़त्म कर सकते हो। मतलब दो बॉडीज थी मान लीजिए, और ये दो बॉडीज ही रही। अगर मैं पहले वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, कुछ भी अगर दो बॉडीज एक दूसरे पे काम करती हैं तो जितनी ऊर्जा पहले थी उतनी ही ऊर्जा बाद में रहेगी, ना तो अपने आप से, देखो पहले 100 अगर थी तो बाद में भी कितनी रही, 100। ऐसा नहीं होगा कि 100 थी तो 110 हो गई, तो 10 कहाँ से आई, ना तो अपने आप से बन सकती। और ऐसा भी नहीं होगा कि पहले अगर 100 थी तो अब 90 हो गई, वो 10 कहाँ गई, अपने आप से गायब भी नहीं हो। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप ये मान लीजिए कि मेरे पास जब सुबह हुई तो मेरे पास 100 जूल एनर्जी थी, तो मैं थोड़ी देर चली तो 10 जूल मेरी वहाँ खर्च हो गई, फिर कुछ काम हुआ तो 10 जूल वहाँ खर्च हो गई, तो मैंने अपनी 100 को बांटना शुरू कर दी। तो लेकिन अगर मैं सब जो मैं जहाँ जहाँ मैं बांट रही हूँ सबको ऐड करूँगी तो आंसर 100 ही आएगा। तो ऊर्जा हमेशा कभी भी ख़त्म या बन नहीं सकती, सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अगला है पावर। पावर का मतलब क्या है, देखो वर्क का मतलब कार्य हो गया, एनर्जी ऊर्जा का मतलब हो गया आप कितना काम कर सकते हो, पावर क्या है, पावर है आप कितनी देर तक काम कर सकते हो। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, कितनी देर तक कर रहे हो, और वर्क किसके बराबर है, एनर्जी के, अभी मैंने आपको बताया था ऊर्जा के, तो एनर्जी अपॉन टाइम, इसके दो फॉर्मूले हैं। शक्ति यानी पावर की जो ऐसा यूनिट है वो है वॉट, इसका एक और यूनिट आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से। जैसे आपको पता है वर्क और एनर्जी दोनों को जूल के मात्रा से, जूल से आप इसकी इकाई यूज़ करते हो जो ऐसा यूनिट है, टाइम होता है सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड भी इसकी इकाई आ सकती है। एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और एक यूनिट आपको बतानी है हॉर्स पावर। आपने जनरली देखा होगा मशीन्स आती हैं इतने हॉर्स पावर की, तो हॉर्स पावर क्या है, ये पावर की ही एक यूनिट है, ये शक्ति की एक इकाई है। और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप वैसे एनर्जी पढ़ चुके हो, ऊर्जा पढ़ चुके हो, अब एक नई ऊर्जा पढ़ रहे हो जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो ये विद्युत ऊर्जा होती है, इसकी बात मैं कर रही हूँ। तो ये विद्युत ऊर्जा क्या है, देखो यहाँ से आपको पावर का फॉर्मूला पता है ना, तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालो, तो ये जो ऊर्जा निकलेगी ये विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पावर बहुत होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। इसका वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है आप कहाँ यूज़ करते हो, कमर्शियल यूज़ करते हो ना,
अगर हम अपने घर में भी यूज़ कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट के लिए तो वो कमर्शियल यूज़ है ना, मतलब गवर्नमेंट के लिए तो वो कमाई का साधन है, तो गवर्नमेंट के लिए तो वो बिजनेस ही है. तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी एक कमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आवर. आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, पावर की यूनिट होती है वॉट, तो आप किलो वॉट ले लोगे. टाइम की इकाई होती है सेकेंड, लेकिन आप आवर ले लोगे, किलो वॉट आवर हो गई इसकी कमर्शियल यूनिट. और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको SI में बदलो, तो लर्न कर लो एक किलो वॉट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं. तो किलो वॉट आवर क्या है? कमर्शियल यूनिट है. जूल क्या है? SI यूनिट है, SI इकाई है. तो एक किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁶. इसके अलावा एक और बात बता दूँ, किलोवाट आवर को कई सारी जगह यूनिट भी बोलते हैं. अगर हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बिजली का बिल आता है, तो हम ये भी देखते हैं कि कितने यूनिट हमने खर्च की, कितने यूनिट बिजली हमने खर्च की. तो वो यूनिट क्या है? वो यही है किलोवाट आवर, कि कितने किलोवाट आवर हमने यूज़ किए. इसके अलावा ऐसा यूनिट क्या है? इसकी जूल. चलिए अगला टॉपिक है ग्रेविटेशन का. ग्रेविटेशन जिसको गुरुत्वाकर्षण भी बोलते, देखिए सबसे पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल. पृथ्वी सबको अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण. द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, वह बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसको ग्रेविटी भी बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण के रूप में भी जाना जाता है. इसके अलावा मैं आपको बार बार बता दूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे टॉपिक्स सफिशियंट हैं. इसमें आपके 70% टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लेकिन SSC है, कुछ भी आ सकता है. तो कंप्लीट हर चैप्टर से कंप्लीट क्वेश्चंस के लिए, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप फिजिक्स का पूरा कोर्स ऐप पे फ्री है, आप वहाँ पर देख सकते हैं. आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि कितने टॉपिक्स हमने किस किस हिसाब से लिए हैं. अदरवाइज अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको सिर्फ क्विक रिविजन चाहिए, तो दिस इज सफिशियंट. इसके अलावा बात करते हैं सैटेलाइट की, जिसको उपग्रह बोला जाता है. देखो सैटेलाइट क्या होती है? किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ, किसी भी ग्रह के चारों तरफ, ग्रह हर एक ग्रह में ये बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किसी में बहुत कम, किसी में बहुत ज़्यादा. तो किसी भी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले जो पिंड हैं, जो दूसरी बॉडीज़ हैं, उनको आप सैटेलाइट बोलते हो. कुछ तो नेचुरल हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे पूरी गैलेक्सी में कुछ तो यूनिवर्स हैं, अपने आप से आते हैं, अपने आप घूम रहे हैं. पृथ्वी का है चंद्रमा, जब से पृथ्वी बनी है अर्थ, वो जो मून है वो उसके चारों तरफ घूम रहा है, वो नेचुरल सैटेलाइट है. कुछ कृत्रिम होते हैं, कुछ हम लोग भेजते हैं, चाहे वो मैप को देखने के लिए, बारिश का पता लगाने के लिए, डिजास्टर्स का पता लगाने के लिए, तो उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं. तो नेचुरल या आर्टिफिशियल बॉडीज हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. इसके अलावा एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जाम्पल है इनसेट बी, और नेचुरल सैटेलाइट है मून. और ये किसकी सैटेलाइट है? अर्थ की सैटेलाइट है, पृथ्वी की सैटेलाइट. इसके बाद हम बात करते हैं अगले लॉ की, विच इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है कि इसको आप बोलते हो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम. ये नियम पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, चाहे वो बॉडी जमीन पर रहने वाली हो, आसमान में रहने वाली हो, स्पेस में रहने वाली हो, कहीं भी होगी ये नियम फॉलो करेगी. आपको मैं बता दूं ये नियम, और एक और आप पढ़ोगे कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम, दोनों बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले भी लगभग लगभग सेम आएंगे. ये नियम के अकॉर्डिंग, पहले मैं आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दूं, अगर दो बॉडीज हैं कुछ दूरी पर रखी हुई हैं, मैंने मान लिया आर दूरी पर रखी हुई हैं, तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज कहीं पर भी रखी हुई, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है. ये अर्थ वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अर्थ वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को हिंदी में तो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी. तो ग्रेविटी अगर वर्ड आ जाए तो प्रॉपर अर्थ की बात हो रही है, अदरवाइज गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज का हो सकता है. इस पेन का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ये पेन भी किसी को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये उसका बल है. तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. और ये जो फोर्स होगी किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी?
ये कितने भारी हैं, यानी इनका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो उनके प्रोडक्ट के, उनके गुणनफल के, मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान है m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इनके मास के प्रोडक्ट के, और ये फोर्स और किस पे डिपेंड करेगी, इनके बीच की दूरी के, जितने पास रखे होंगे उतनी ज़्यादा बल होगा, उतना ज़्यादा फोर्स होगी, जितना दूर होंगे उतनी ही कम फोर्स होगी, तो ये डिपेंड करती है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल के साथ आकर्षित करता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज, जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 और अपॉन में r स्क्वायर, आप इसको हटाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब आप हटाओगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट नियतांक लाना पड़ेगा, तो आपने क्या करा, इसको हटाया, इसके बजाय इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पे आ गया g। ये क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स होती है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और कई बार एग्जाम में 6.67 की जगह 6.7 भी आ जाता है, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि राउंड ऑफ कर रखा है, दैट्स इट। चलिए अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की। तो ये है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो जब पृथ्वी में, अगर मैं इस पेन को यहां से गिरा दूं तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ क्यों गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है। सेम, अब आप एक चीज सुनो, आप साइकिल चला रहे हो इस डायरेक्शन में, हवा भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपको हेल्प मिलेगी, आप आराम से चला पाओगे, थोड़ा कम थकोगे, लेकिन आप साइकिल चला रहे हो इस डायरेक्शन में, हवा इस डायरेक्शन में, आप जल्दी थक जाओगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, दिशा अपोजिट हो गई। सेम, अब हम बात करते हैं अर्थ पे, अगर मैं कोई चीज़ गिरा रही हूँ और पृथ्वी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है, खुद भी नीचे ही जा रहा था, तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसका वेग है, वो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, नीचे की तरफ उसको वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो गिर भी नीचे की तरफ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आने को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की में जो एक्सेलरेशन बनेगा उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में उत्पन्न एक समान त्वरण। हमारे यहाँ पे जितना प्रोड्यूस होता है ना एक्सेलरेशन, और मून पे 1/6 हो जाता है, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 60 है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/6 यानी 10 हो जाएगा, एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ ऑन अर्थ, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर उसके मान का 1/6 है। जी की वैल्यू हर जगह चेंज होती है, आपको मैं बता दूँ, क्योंकि देखो जी क्या है, जी ये स्मॉल जी है, और ये भी बता दूँ वो कैपिटल जी था जो इससे पहले पड़ा था, ये स्मॉल जी है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पृथ्वी आपको खींच रही है, तो इस वजह से आपकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, आपके वेग में चेंज आ गया, उसको आपने दिया त्वरण का नाम। तो ये किस पे डिपेंड करती है, पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी ने हमें खींचा। अब पृथ्वी अगर बिल्कुल गोल होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, ये ऊपर से हल्की सी चपटी है, नीचे से हल्की सी चपटी है, और यहाँ से बाहर निकली हुई है, तो इस वजह से जो इसकी रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो हर जगह अलग अलग है, क्योंकि ये वाली जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड ही पृथ्वी पर करती है, पृथ्वी के मास पे डिपेंड करेगी, कितना द्रव्यमान है, पृथ्वी की रेडियस पे डिपेंड करेगी, अर्थ की रेडियस पे डिपेंड करेगी। अब रेडियस हर जगह सेम नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी हर जगह सेम नहीं है। जनरलाइज्ड वे में हम जो वैल्यू लेते हैं 9.8 m/s² या 10 m/s² लेते हैं, बट इसकी वैल्यू हर जगह डिफरेंट होती है।
तो इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसका फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो जी की वैल्यू फिक्स है, अभी आपने कैपिटल जी की वैल्यू पढ़ी है इससे पिछले उसमें 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। एम का मतलब है मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास भी फिक्स है, अर्थ का मास चेंज नहीं होता। क्या आ गया रेडियस, आर त्रिज्या पृथ्वी की, अर्थ की रेडियस, ये चेंज होती है, तो इस वजह से जी की वैल्यू भी हर जगह चेंज होती है। जनरलाइज वे में हम 9.8 या 10 वैल्यू लेते हैं। अच्छा ये जो वैल्यू चेंज हो रही है कैसे हो रही है, आपको पता है ना मैंने अभी बताया का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जो ये जी है यानी ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, ये किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। अब आप ये देखो अगर ऐसी शेप बता रही हूँ मैं आपको, अर्थ की ऐसी शेप है तो यहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगी इक्वेटर पे, मध्यांतर पे, तो इक्वेटर पे क्या होगा, रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगी। तो इक्वेटर पे जी मिनिमम यानी कम होती है, भूमध्य रेखा पर मिनिमम होती है। पोल्स की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे रेडियस कम है तो अगर रेडियस कम है तो जी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। तो एक्स जो त्वरण है वो सबसे ज़्यादा होता है पोल्स पे, ध्रुव पे, और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, पृथ्वी की सतह पर जी की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, पर किसके कंपैरिजन में, आप पृथ्वी के ऊपर चले गए तो जी घट जाएगा, नीचे चले गए तो जी घट जाएगा। ऊपर जाने पर भी जी घटता है, नीचे जाने पर भी जी घटता है। जी की वैल्यू जो भी होगी, अगर मैं इन तीनों में, तीन पोजिशन है ऑब्जेक्ट की, पहली दूसरी और तीसरी, इन तीनों में बात करूं तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो जी की वैल्यू होगी वो सेकंड पे होगी, जब पृथ्वी के ऊपर हो। ठीक है, ऊपर चले गए नीचे चले गए तो जी घट जाएगा, सबसे ज़्यादा सतह पर ही होता है। अब सतह के अंदर भी कैसे, सरफेस के अंदर भी कैसे, पोल्स पे सबसे ज़्यादा और इक्वेटर पे सबसे कम। चलिए अगला है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैपलर ने ग्रहों, जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, तो उसके ऊपर अपने कुछ नियम दिए थे। टोटल तीन नियम थे। सबसे पहला नियम है ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। अगर ये सूरज है तो इसके चारों तरफ अंडाकार कक्षाओं में, मतलब जो इनके ऑर्बिट है वो अंडाकार होते हैं, वो एलिप्टिकल होते हैं। और सूरज, और आपको मैं बताऊं इस शेप की, इसको बोलते हैं एलिप्स, अंडाकार जिसको बोलते हैं, इस शेप की एक खासियत होती है, जैसे सेंटर सर्कल है, एक वृत्त है, इसका एक केंद्र बिंदु होगा ना, इसमें दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो कैपलर ने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं और सूरज किसी एक फोकस पे प्रेजेंट रहता है, चाहे तो इस तरफ चाहे तो इस तरफ। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकस। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें सूर्य एक ही फोकस पर रहता है। द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे है प्लैनेट और एक बार प्लैनेट यहाँ पर है, तो अगर एक घंटे में वो यहाँ पर आ गया, कितना एरिया कवर किया है उसने, इतना एरिया कवर किया है। इस तरीके से यहाँ पे प्लैनेट था, एक घंटे में मान लो ये यहीं पर आ पाया, लेकिन इनके एरिया ये इक्वल होंगे, यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं प्लैनेट्स, क्योंकि उनकी स्पीड सेम रहती है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को पार करती है। तीसरा रटना पड़ेगा कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है आप ये भी समझ लीजिए, जैसे ये मैंने ऐसे एलिप्टिकल बनाया है, एलिप्स बनाया है, तो इसमें दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। आप देख रहे हो ये जो एलिप्स बनाया है ये लेटा हुआ है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हो गई इसकी मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस हो गई इसकी माइनर एक्सिस, तो रेडियस कितनी होगी, आधी होगी ना, तो इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, आधी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के यानी घन के समानुपाती होता है। तो ये हो गया इसका तीसरा नियम।
चलिए अब हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह। बहुत इजी है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। देखो होता क्या है, ये पृथ्वी है और एक चीज इसके चारों तरफ घूम रही है तो उपग्रह बोलते हैं। अब बात क्या है कि पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है, तो एक ऐसी उपग्रह, एक ऐसी सैटेलाइट जो पृथ्वी के साथ साथ घूम रही है, जैसे जैसे पृथ्वी जा रही है ये भी आगे जा रही है, तो पृथ्वी को क्या लगेगा, वो चल ही नहीं रहा। अगर मेरे बराबर में कोई खड़े हुए हैं, मैं चल रही हूँ, वो खड़े हुए हैं, तो मुझे दिखेगा कि अच्छा ठीक है वो रुके हुए हैं और मैं चल रही हूँ। लेकिन कोई मेरे बराबर में है, हम दोनों चल रहे हैं बिल्कुल सेम स्पीड से, तो ना तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है ये आगे या पीछे हैं, मतलब मुझे लगेगा ये तो मेरे साथ में ही है, हम चल ही नहीं रहे, और ना उनको लगेगा कि मैं चल रही हूँ। तो ऐसे को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट अर्थ की डायरेक्शन, जो अर्थ रोटेट कर रही है, इसी के साथ साथ बिल्कुल रोटेट करे, इसी स्पीड से रोटेट करे अर्थ के चारों तरफ, तो अर्थ के लिए वो सैटेलाइट स्टेशनरी है, वो रुकी हुई है, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ऐसी सैटेलाइट को भूस्थिर उपग्रह का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटे ही होता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर वो कर लेती है ना, लगा लेती है, तो सैटेलाइट का भी जो टाइम पीरियड होगा वो 24 आवर ही होगा, 24 आवर में वो पूरा एक चक्कर काट लेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है। अगला है एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर स्पेस में भेजना चाहते हैं तो हमें उसे इतना वेग देना होगा कि वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ दे। पृथ्वी किसी को बाहर नहीं जाने देना चाहती, उसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो अगर आपको उसे बाहर भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तोड़ना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना वेग आप उसको दोगे, कितनी आप उसको वेलोसिटी दोगे कि वो सब कुछ तोड़ के बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। न्यूनतम वेग जिसके साथ एक पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए और कभी वापस ना आए, एंड सो दैट इट गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न टू इट। और ये लर्न कर लो, हमारे अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड दोगे तो ऑब्जेक्ट बाहर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बात करते हैं प्रेशर यानी दाब की। प्रेशर क्या होता है, आप किसी को दबा रहे हो, आप किसी पे फोर्स डाल रहे हो। साइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं इसको दबा रही हूँ, यहाँ से दबा रही हूँ, तो क्या है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई और इतने एरिया पे फोर्स लगाई, ये है मेरा दाब। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। इसकी यूनिट होती है पास्कल, ऐसा ही इकाई पास्कल होती है। और इसकी एक और इकाई आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी एक इकाई होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। प्रेशर के क्या फायदे हैं, तो सबसे पहला है बैग्स एंड सूटकेसेस आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल्स। जो बैग होते हैं, जो स्कूल बैग भी होते हैं, उनके काफ़ी चौड़े हैंडल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। आपने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम पड़ेगा आपके कंधों के ऊपर, ठीक है। आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। दूसरा, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन स्लीपर्स। अगर आपने रेलवे ट्रैक देखे हो तो ये जो बीच में वुडन स्लीपर्स डलते हैं ये काफ़ी चौड़े चौड़े डलते हैं, इससे क्या है कि एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाते ही इन पे जो प्रेशर पड़ेगा ट्रेन के वजन का वो कम पड़ेगा, तो प्रेशर हमने कम डाला है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, बैग और सूटकेस चौड़े हैंडल के साथ दिए गए हैं और बड़े आकार के लकड़ी के स्लीपर पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। बैरोमीटर प्रोडक्ट प्रिडिक्शंस। बैरोमीटर प्रेशर को नापने का काम करता है। बैरोमीटर से आप वेदर को फॉरकास्ट कर सकते हो। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, बैरोमीटर के मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का काम करता है। प्रेशर तो नॉर्मल है, दाब आप कहीं भी लगा सकते हो। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो भी एक दाब बना के चलता है। अगर मैं अपना हाथ रख रही हूँ तो इसके ऊपर की जो हवा है, वो हवा इसके ऊपर कुछ ना कुछ दाब डाल रही होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम बोलते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए वायुमंडलीय दाब को नापने का काम करता है। अब आपने कहीं लगा रखा है,
किसी कमरे में अगर बैरोमीटर लगा रखा है, आप उसकी रीडिंग को कैसे नापोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आज कैसा मौसम होने वाला है? अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाए, सडन फॉल यानी एकदम से नीचे गिर जाए, तो आंधी आने की संभावना रहती है। अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो रेन यानी बारिश आएगी। अगर धीरे धीरे बढ़े तो क्लियर वेदर रहेगा, बिल्कुल साफ दिन रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोटेशन यानी प्लवन की। फ्लोटेशन प्लवन में सबसे पहला टॉपिक है बायंट फोर्स का, जिसको आप उत्प्लावक बल बोलते हो। देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डुबाने की कोशिश करोगे किसी भी चीज़ में, चाहे थोड़ा डुबाओ चाहे पूरा डुबा दो, वो एक बार डुबकी खा के ऊपर आता है, ठीक है। एकदम अगर आपने छोड़ दिया तो वो डुबकी खा के ऊपर आता है। वो ऊपर क्यों आया? क्योंकि जिस चीज़ में आप डुबा रहे हो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं बायंट फोर्स या उत्प्लावक बल। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड, किसी पूरी या आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर बल, इसको अपथ्रस्ट फोर्स या बायंसी बोलते हैं, उत्क्षेप भी कहा जाता है। ये हमेशा कितना लगेगा? जब आप किसी को डुबाते हो तो डुबाने का मतलब क्या है? वहां पे पहले पानी था, अब आप डुबा रहे हो तो आपने वहां से पानी हटा दिया, तो कितना फोर्स और आपको पता है जिसकी जिसकी जगह आप छीनोगे वही तो बल लगाएगा आपके ऊपर। सेम, तो ये जो फोर्स लगती है किसके बराबर होती है? जितना पानी या जितना लिक्विड को आपने डिस्प्लेस किया उसके वजन के बराबर होती है। तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। इसका मान डूबी हुई वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हो तो इसने इतना पानी को डिस्प्लेस किया है तो इतने पानी के वजन के बराबर बायंट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, इसको उत्प्लावक बल बोलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने यही बताया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी पिंड को चाहे पूरा चाहे आधा अधूरा डुबाओगे किसी भी चीज में, तो उसके ऊपर एक बायंट फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी जो किसके बराबर होगी? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर 10 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वजन 10 न्यूटन का है, 5 न्यूटन का उसने पानी खिसका दिया तो 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। ये देखो, मान लो इसका जो वजन था वो 10 न्यूटन था, ये पानी का जो वजन था वो 5 न्यूटन था, तो 5 न्यूटन ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, तो यानी पानी में जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट कितने न्यूटन का दिखाई देगा? 5 न्यूटन, क्योंकि वजन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो टोटल जो वेट रहेगा वो कम हो जाएगा। तो आर्किमिडीज ने बताया था कि जब भी किसी को पानी में डुबाओगे उसके भार में कमी महसूस होगी, वो इसी वजह से कमी महसूस हो। इस प्रिंसिपल का, इस सिद्धांत का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखो, हर चीज़ की ना फिक्स है, हर चीज़ की वैल्यू फिक्स होती है कि दूध में अगर डुबा रहे हो कितनी बायंट फोर्स लगती है, पानी में डुबा रहे हो तो कितनी बायंट फोर्स लगती है। तो मान लो दूध में आपने क्या करा कि आपको पता है वैल्यू साइंस में सब कुछ गिवन है कि दूध में डुबाओगे तो इतनी बाइंड फोर्स, इतनी उत्प्लावक बल लगेगा, लेकिन दूध वो मिलावट वाला था तो अब वो उतना उतनी बाइंड फोर्स नहीं लगेगी, तो आपको पता लग जाएगा आप मेजर करोगे तो ये वाले सिद्धांत का इस्तेमाल कई सारी जगह होता है, जिसे प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करने में, दूध कितना शुद्ध है लैक्टोमीटर से नापते हैं, तो लैक्टोमीटर को डिजाइन करने में, तो लैक्टोमीटर्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क यानी दूध की शुद्धता को नापने वाला यंत्र दुग्ध मापी, इसी पर काम करता है। डेंसिटी, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना भारी है, क्योंकि ये जो फोर्स लगती है ना ये डिपेंड करता है कि वो जो लिक्विड है वो कितना भारी है, जितना भारी होगा। अगर हनी की बात करूँ, शहद ज़्यादा बल लगाएगा, पानी कम बल लगाएगा, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो कम है, और जो हनी की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, तो ये डेंसिटी को देखने में भी काम करता है। और डेंसिटी को नापने वाले कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? हाइड्रोमीटर, तो उनके काम करने पे ये बेस्ड है। इसके अलावा सबमरीन यानी पनडुब्बी और शिप्स, जहाज का ढांचा, इसी सिद्धांत पर काम किया जाता है कि कितना पानी के अंदर डूबना चाहिए कि पूरा भी ना डूबे और इसको बायंट फोर्स मिलती रहे, उत्प्लावक बल मिलता रहे। तो आप देख सकते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये कोई 5 किलो का ऑब्जेक्ट था, यहाँ 5 पे दिखा रहा है, ये साइन जो है वो 5 पे आ रहा है। अब क्या हुआ, जैसे आपने डुबाया तो कुछ पानी बाहर निकल गया, पानी जितना बाहर निकला था ये निकला था आपका 2 किलो, 2 किलो पानी बाहर निकल गया, तो 2 किलो की इस पे फोर्स लग गई। और अब यहाँ पे जो दिखा रहा है वो 3 किलो इसका वजन दिखा रहा है, क्योंकि 5 इसका था, 2 किलो ऊपर से लग गई, 3 किलो इसका वजन दिखा रहा है। चलिए,
When does an object float or sink in a liquid? एक वस्तु किसी द्रव में कब तक डूबती है और कब तक तैरती है? बहुत आसान है. अगर वो जो वस्तु है उसका भार, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व, इसका घनत्व ज़्यादा है इस जिसमें डुबा रहे हो, लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये डूब जाएगी. लेकिन अगर ये हल्का है, इसका डेंसिटी कम है, या तो कम है या बराबर भी होगा तो भी ये तैर जाएगी. देखो यहाँ पे ये भारी था, ये डूब गया. यहाँ पे बिल्कुल बराबर था, बिल्कुल सरफेस सरफेस पे तैर रहा है. यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम थी, इसका घनत्व कम था तो ऊपर उठ गया, पानी से ऊपर, क्योंकि फोर्स ऊपर वाली ज़्यादा हो गई. तो इसको ये बहुत आसान सा याद करने का तरीका है. अगर डूबेगा कब? अगर ऑब्जेक्ट जो है, जो पिंड है, वो उसका घनत्व ज़्यादा होगा द्रव के घनत्व से. तैरेगा कब? जब वस्तु का घनत्व या तो कम होगा या बराबर होगा द्रव के घनत्व के. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब बात कर रहे हैं, मैं बहुत देर से वर्ड यूज़ कर रही हूँ, घनत्व, डेंसिटी होती क्या है. देखो इसको आप भार से समझ सकते हो. भार क्या होता है? बेसिकली डेंसिटी का मतलब है आप कितने जगह पर कितना सामान रख सकते हो. कितनी जगह है आपके पास, उसमें कितना सामान भरा जा सकता है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, कितने आयतन में, कितनी जगह में, कितना द्रव्यमान आप भर सकते हो. तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सीजीएल सिस्टम हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अगर आपको किसी की भी शुद्धता नापनी है तो आप डेंसिटी का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हर एक चीज़ की डेंसिटी फिक्स होती है, घनत्व फिक्स होता है. तो ये हो गया आपका डेंसिटी यानी घन. एक और चीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता दूं. पानी के साथ होता क्या है? पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी चेंज होती रहती है. तो पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी, सबसे ज़्यादा घनत्व जो मिलेगा, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है. 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व होगा. और कितना होता है? अगर मैं ऐसा ही मात्रक की बात करूँ तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है पानी का घनत्व. कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर. लेकिन इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँगी तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बैठेगा. तो पानी के घनत्व, या तो आप लिख, अगर आपसे पूछ लिया डेंसिटी ऑफ वाटर बताओ, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, वो भी ठीक है. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वो भी ठीक है. क्योंकि अगर दोनों ऑप्शंस आते हैं तो बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज आएगा, दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट हो गया रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व. ये बहुत बहुत ईजी है. डेंसिटी आपको पता है, घनत्व आपको पता है. लेकिन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के भार को पानी के भार से नापने लग जाओ कि पानी की तुलना में कितना भारी है या कितना हल्का है, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, आप किससे कंपेयर कर रहे हो? पानी की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हो. तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व. इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है. नापते किससे हैं? हाइग्रोमीटर. डेंसिटी को, घनत्व को किससे नाप रहे थे? हाइड्रोमीटर से. रिलेटिव को किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से नापते हैं. ये इंडिकेट करता है सब्सटेंस कितना भारी है एज कंपेयर टू वाटर, पानी के भार की तुलना के साथ कंपेयर करता है. कुछ फैक्ट आपको मैं बता दूं, समुद्र वाले पानी में तैरना आसान होता है नदी वाले पानी से, क्योंकि समुद्र वाले पानी में नमक होता है. तो नमक के कारण डेंसिटी ज़्यादा है उसकी, घनत्व ज़्यादा है. तो आप तैरोगे तो आपको ज़्यादा बायंट फोर्स मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ भारी होती है वो ज़्यादा फोर्स लगाती है, तो आप ऊपर ऊपर तैरोगे. दूसरा, अगर आइस फ्लोटिंग इन वाटर इन अ वेसल मेल्ट्स, लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल डज नॉट चेंज. अगर किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो बर्फ के पिघलने पर पानी का तल समान रहता है, बढ़ता नहीं है. तो ये ध्यान रखेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्सेस की. कोहेसिव फोर्स क्या होती है? एक ही पदार्थ के जो, एक ही सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स होती है कोहेसिव, संसंजक बल. पेन है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे, सब पेन के ही पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच में लगने वाली फोर्स होगी कोहेसिव फोर्स. मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ रखा है, तो हाथ के और इसके पार्टिकल्स के बीच में, यानी दो अलग अलग पदार्थ के बीच में जो लगने वाली फोर्स होगी, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स यानी असंजक बल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? ससंजक बल. एडहेसिव फोर्स, असंजक बल कौन सा होगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ध्यान रखेंगे. और ज़्यादातर फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो आप आगे फिनोमिना पढ़ने वाले हो, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से आप पढ़ने वाले हो. अगली हम बात करते हैं सरफेस टेंशन, जिसको पृष्ठ तनाव बोला जाता है. नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ. कोई भी लिक्विड ले लो, कोई भी तरल द्रव चीज़ ले लो,
तो जो उसका सरफेस होता है ना, पानी है, पानी की बाल्टी है, तो जो उसका सरफेस आपको दिखेगा, अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग उस पर कुछ मेजर वगैरह करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे उसका जो सरफेस है वो किसी टेंशन के अंदर हो, किसी तनाव के अंदर हो, और वो खुल नहीं पाता प्रॉपरली। इसी वजह से पानी की जो बूंद, और वो क्या कोशिश करता है कि मैं सिमटा हुआ रहूं, बंधा हुआ रहूं, इसी की वजह से अगर पानी की कोई बूंद लोगे तो वो स्फीयर शेप में होती है, गोले की शेप में होती है, क्योंकि गोले का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। बाकी कोई भी शेप ले लो, उनका सरफेस एरिया जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है, गोले का सबसे कम होता है, इसीलिए क्योंकि उसकी सरफेस को क्या है, टेंशन है, वो सबसे सिकुड़ के रहना पसंद करती है। प्रॉपर्टी बाय विच लिक्विड हैज़ द टेंडेंसी टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड कोशिश करता है कि मैं कम से कम सरफेस एरिया को अटेन करूं, किस वजह से, और ऐसा लगता है जैसे वो किसी टेंशन के अंदर हो। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव में रहता है। लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो द्रव है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार आकार ले लेता है, क्योंकि गोले का सबसे कम आयतन होता है, सबसे कम क्षेत्रफल होता है। चलिए अगला टॉपिक है क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रांतिक तापमान। ये होता क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी मैटर के, कोई भी पदार्थ के कोई भी दो फेजेस एग्जिस्ट कर सके एक साथ। सॉलिड लिक्विड मान लीजिए किसी टेम्परेचर पे एक साथ हैं, लिक्विड गैस एक साथ हैं, ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर तापमान, जो उन परिस्थितियों को संकेत करता है जिनके तहत पदार्थ की दो अवस्था सह अस्तित्व में हो सकते हैं। अगला टॉपिक है विस्कोसिटी यानी श्यानता। विस्कोसिटी क्या है, आपको अगर पता हो, अगर आप पानी को अगर आप फेंक रहे हो और एक तरफ आपने शहद को फेंक दिया, आपको पता है कि पानी बह जाएगा पर शहद नहीं बहेगा। किस कारण, इस कारण क्योंकि शहद गाढ़ा है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी यानी श्यानता, एक ऐसा गुण जिसकी वजह से जो पदार्थ की अलग अलग स्थितियां हैं उनके बीच में जो मोशन हो रहा है उसको रुकावट पैदा हो। प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच इट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर के बीच में जो मोशन हो रहा है, बहने के टाइम पे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर बहती है मोशन होता है, तो मोशन के बीच में अगर आपको रुकावट मिल जाए, यानी वो रोकने, उसको बहने से रोक दे, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ये लिक्विड और गैसेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ठोस के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, द्रव और गैस दोनों का गुण है, और ये होता है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, संजक बल की वजह से। दो लेयर के बीच में जो भी फोर्सेस होंगी वो रुक जाएंगी, वो बहने से रोक देंगी, क्योंकि इनके बीच की जो फोर्स है, एक ही पदार्थ के बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा है, तो वो वहीं रहना पसंद करेंगी, वो बहना पसंद नहीं करेंगी। विस्कोसिटी नहीं होती, ठोस में श्यानता नहीं होती, और लिक्विड्स के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्म करोगे, तो गर्म करने पे बह जाते हैं, तो विस्कोसिटी घट जाएगी। गैसेस के अंदर उल्टा है, अगर गर्म करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी एसआईयूनिट होती है पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होती है पॉइज या पॉइजली। ध्यान रखेंगे विस्कोसिटी से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप एक बार ज़रूर करके चले जाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता की। इलास्टिक आपको पता है ना, इलास्टिक हम यूज़ करते हैं, तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता क्या होता है, किसी भी बॉडी, किसी भी एक ऐसी वस्तु की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम जब फोर्स लगाएं, तो अगर हमने बल लगाई, उसने अपनी शेप चेंज कर ली, लेकिन वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल ऑफ अ बॉडी बाय विच बॉडी अपोजेज एनी चेंज कोज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, की जो बॉडी है वो चेंज के लिए मना करती है, वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाती है, एंड एक्वायर्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाती। इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा। देखो कई बार ऐसा होता है, रबर बैंड है, हम खींच रहे हैं, वो खींच रही है, और एक टाइम पे वो टूट जाती है, क्योंकि हम उसकी वो लिमिट क्रॉस कर चुके। हर एक इलास्टिक चीज़ की, हर एक प्रत्यास्थ वस्तु की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, कि आपने इतना फोर्स लगाया तो वापस आ जाएगी,
लेकिन हद से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, टूट जाएगी या वो अपनी शेप में वापस कभी नहीं आएगी, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच मटीरियल शोज इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो हद से ज़्यादा फोर्स जहाँ तक प्रॉपर्टी दिख जाएगी, जहाँ तक वो वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल शेप में, लेकिन जिसके बाद मटीरियल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देता है, वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं रहता, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिसमें बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यास्था की सीमा। नेक्स्ट है स्ट्रेस यानी प्रतिबल, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आपने किसी पे आपने फोर्स लगाई, आपने उसकी शेप चेंज कर दी, अब आप कितनी वापस से उल्टी फोर्स लगा रहे हो कि वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो हम भी नहीं लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इलास्टिक है, अगर ऑब्जेक्ट प्रत्यास्थ है, तो वो खुद से अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा ना, तो ओरिजिनल शेप में आने के लिए उसे अंदर से फोर्स लगानी पड़ेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, रीस्टोर का मतलब वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए कितनी फोर्स वो लगा रहा है पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल बोलते हैं। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस तो आपको मैंने बता दिया। स्ट्रेन क्या होता है कि जब आपने फोर्स लगाई थी तो उसकी डायमेंशंस में, उसकी शेप साइज में कितना चेंज आया। फॉर एग्जांपल लंबाई बढ़ गई तो कितनी लंबाई में कितना फर्क आया अपॉन ओरिजिनल लंबाई। अगर उसकी वॉल्यूम बढ़ गई तो आयतन बढ़ गया तो आयतन में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल आयतन यानी ओरिजिनल वॉल्यूम। तो रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन और शेप ऑफ ए बॉडी विच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, एक शरीर के आयाम या आकार में सापेक्ष परिवर्तन जो प्रतिबल के अधीन है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे आपको हुक्स लॉ बताना है। देखो एक चीज़ समझो, जब आप ये कोई रबर बैंड अगर है और मैंने इस पर कोई फोर्स लगाई, इसको खींच दिया, तो होगा क्या, इसके अंदर अब स्ट्रेस डेवलप होगा, इसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना है, और स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, जितना मैंने इसको चेंज किया होगा, है ना। और चेंज का मतलब क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब ये तो था कितना चेंज कर दिया आपने। तो हुक ने ये बताया था कि स्ट्रेस हमेशा प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, प्रति बल जो है वो विकृति के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी विकृति आई होगी उतना ही आपको प्रतिबल लगाना पड़ेगा उसको ओरिजिनल शेप में लाने के लिए। तो हुक्स लॉ यही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये चीज़ अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अलावा जब आप इक्वल टू लगाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ई, और ई को बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हर चीज़ के लिए अलग होती है, रबड़ के लिए अलग है, स्टील के लिए अलग है, हर चीज़ के अलग। और आपको मैं बता दूँ मोस्ट इलास्टिक चीज़ क्या होती है, स्टील। स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक होती है, आपको मैं ये भी बता दूँ। अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सरल आवृत गति भी बोला जाता है। सबसे पहला टॉपिक है पीरियोडिक मोशन यानी आवृत गति। आवृत गति क्या है, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता रहे आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी गति जो नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देगी, तो पीरियोडिक मोशन हम कहेंगे। इसको हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। तो सिंपल पीरियोडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही है, पीरियड्स रिपीट होंगे, ठीक है। स्कूल में पीरियड्स होते हैं तो हर दिन रिपीट होते हैं, तो जो रिपीट करें बट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको आप पीरियोडिक मोशन बोलते हो। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इसमें भी पार्टिकल अपना मोशन रिपीट कर रहा है लेकिन उसमें तो टाइम के अंदर अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इसमें दो लिमिट्स के बाद, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल अबाउट अ फिक्स पॉइंट। इसमें एक फिक्स पॉइंट के, मतलब अगर मैं बात करूं ये वो फिक्स पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो फिक्स होगा कि इतने टाइम के बाद ही ये वापस जाना शुरू होगा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई, एक मुख्य बिंदु भी ऐड हो गया कि इसके इधर उधर बिल्कुल फिक्स पोजीशन है। इसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि जब वाइब्रेशन होती है, जब कंपन गति, तो कंपन गति भी बोलते हैं, जब कंपन होता है तो होता क्या है, बीच में एक बिंदु होगा, कंपन कैसे होगा, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। तो पीरियोडिक मोशन में बस ये था कि रिपीट होगा टाइम के बाद, ऑसिलेटरी मोशन में यानी दोलन गति में क्या है, रिपीट होगा टाइम के बाद लेकिन एक फिक्स बिंदु के इधर उधर। देख सकते हो, जैसे अगर मैं वाइब्रेट कर दूं, एक तार लगा के वाइब्रेट कर दिया, तो ये हैं इसके फिक्स, ये दो पॉइंट्स हैं और बीच में ये फिक्स बिंदु है, तो इसके इधर उधर वाइब्रेट करेगा, ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन।
अगला है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति. इफ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल. यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर एक निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार की गति करे. देखो मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर इसका मतलब क्या है सिंपल शॉर्ट में. ये फिक्स पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे आ रहा है, मुख्य बिंदु पर आ रहा है, मेन पॉइंट पे आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ पे. इस टाइप के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. और इसमें एक खास चीज़ होती है कि जब बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पे होगा ना ये पार्टिकल, तो इसमें जो त्वरण लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, बीच की तरफ लगेगा. अब हम देखते हैं, इफ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट. पार्टिकल है, अपना मोशन रिपीट कर रहा है फिक्स पॉइंट के इधर और उधर, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, टाइम भी आपने फिक्स कर दिया. इन सच अ वे दैट एट एनी मोमेंट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. कि जो एक्सेलरेशन है, जैसे जैसे दूर जाएगा तो बढ़ेगा. आपने नोटिस भी किया होगा घड़ियाँ आती है पेंडुलम वाली, तो जैसे पेंडुलम इधर जाएगा तो एकदम तेजी से आएगा बीच की तरफ. ये पेंडुलम अगर है तो जितना दूर जाएगा उतना तेजी से वापस आएगा, और बीच में आते आते फिर से इसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही इधर जाएगी तो बहुत तेज चली जाएगी. एक वो भी होता है, झूला भी होता है जो इस तरीके से जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, जो शायद नाव वाला झूला इसको बोलते हैं. तो आपने नोटिस किया होगा जब बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन बीच में आते आते उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो डिपेंड करती है कि वो अपने मेन पॉइंट से कितना दूर है. जितना दूर होगी उसको वापस आने की उतनी जल्दी लगी हुई होगी, तो इसलिए जब वो दूर जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट से, और हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है क्योंकि सेंटर में ही वो फिक्स बिंदु होता है. ऐसी गति की वस्तु का त्वरण वो बिंदु की स्थिति के वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो यानी समानुपाती हो, और त्वरण की दिशा निश्चित बिंदु की ओर ही हो हमेशा, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, सरल आवर्त गति बोला जाता है. देख सकते हैं फिक्स पॉइंट क्या है, ये रहा फिक्स पॉइंट, इसको मीन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं, माध्य बिंदु या संतुलन बिंदु भी कहा जाता है. सिंपल पेंडुलम, अभी आपने देखा है सिंपल पेंडुलम ही था जो मैंने यहाँ पे बनाया है. एक कुछ नहीं होता, एक मास होता है, देखिए ये एक मास है, एक द्रव्यमान है जो आपने फिक्स सपोर्ट से बांध दिया, बिल्कुल इलास्टिक स्ट्रिंग होती है, बिल्कुल इसमें कोई वेट नहीं होता इस तार में, और ये क्या फॉलो करता है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति फॉलो करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका टाइम, इसको कितना टाइम लगता है पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, ये लर्न करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा. फॉर्मूला है 2π√L/g, ये मैंने आपको क्लासेस में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस थे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ताकि बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता लग जाए. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, 2π√L/g. तो अगर आप पेंडुलम को मून पर ले गए तो क्या होगा, तो मून पे ग्रेविटी कम हो जाती है ना, तो टाइम बढ़ जाएगा. तो मून पर अगर ले गए तो पेंडुलम धीरे धीरे से हिलना शुरू होगा, टाइम बढ़ा देगा अपना. नेक्स्ट टॉपिक है वेव्स यानी तरंग. तो वेव्स होती क्या है, बेसिकली एनर्जी है, ऊर्जा है. जैसे मैं बोल रही हूँ तो साउंड वेव्स बाहर निकल रही हैं, ध्वनि तरंगे बाहर निकल रही हैं, तो एनर्जी है. तो एनर्जी या कोई भी मैटर है, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होता जाएगा, जैसे मैंने कुछ बोला तो यहाँ मैंने यहाँ से कुछ बोला, ठीक है, जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे जो हवा के पार्टिकल्स थे, एयर के पार्टिकल्स थे, वो हिलने लग गए. हिलते हिलते अगले वाले पार्टिकल्स को सारी एनर्जी दे दी, खुद शांत हो गए. हिलते हिलते इन्होंने अगले वाले पार्टिकल्स को एनर्जी दे दी, खुद शांत हो गए. तो जब इस तरीके से डिस्टर्बेंस के माध्यम से कोई चीज़ ट्रैवल करती है उसको हम वेव बोलते हैं. दो तरीके की तरंगें होती हैं, वेव्स दो तरीके की होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल. मैकेनिकल वेव्स वो होंगी जिनको किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था हवा का. तो ये वाली जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरंगें हैं, इनको किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ध्वनि तरंगे, साउंड मैकेनिकल वेव्स हैं. तो जिनको मीडियम की ज़रूरत हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ताकि प्रोपगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रसार के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है. इनको इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं, प्रत्यास्थ तरंगे भी बोला जाता है. दो तरीके की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स.
आपने सबसे पहले पढ़ी वेव्स, तरंगे, आपने पढ़ी मैकेनिकल, यांत्रिक जिनको माध्यम की जरूरत होती है, और नॉन मैकेनिकल अयांत्रिक। मैकेनिकल में आपने दो पढ़ी हैं, लॉन्गिट्यूडनल जिसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं और ट्रांसवर्स जिसको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, आपको पता है ना माध्यम की जरूरत होगी, और माध्यम में क्या होते हैं, कण होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में उस तरंग को जाना है, तो जो माध्यम के कण है वो वाइब्रेट करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी हवा हिल रही थी, हिलते हिलते उसने अगले वाले पार्टिकल्स को एनर्जी दी। तो ऐसी वेव जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तरंग जा रही है, वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। अगर वेव ऐसे जा रही है तो जो बीच में पार्टिकल्स है वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। जैसे स्प्रिंग, अगर मैं स्प्रिंग को खींच रही हूँ या इसको बंद कर रही हूँ, तो जैसे जैसे स्प्रिंग में मैं ये कंपन करूंगी तो जो बीच में पार्टिकल्स होंगे ना वो भी इसी डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में स्प्रिंग को कर रही हूँ तो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगी। ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अदरवाइज हवा में अगर मैं बोल रही हूँ मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ खड़े हुए हो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो इसी डायरेक्शन में जो हवा के पार्टिकल्स हैं इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई। आप देख सकते हो सोर्स यहाँ पे है, कान यहाँ पे है, तो अब आपको ये तो पता लग गया कि जो डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए। तो जो पार्टिकल्स हैं जहाँ पे पास हैं, मतलब अभी वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेट करे, इन्होंने एनर्जी दे दी इनको, ये वाइब्रेट करे, इन्होंने एनर्जी दे दी इसको, तो वाइब्रेशन भी ऐसे हो रही है, और मतलब डायरेक्शन ऐसे है साउंड की और वाइब्रेशन भी ऐसे हो रही है, सेम डायरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला है ट्रांसवर्स वेव्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे। ये उल्टा होता है, इसमें क्या है, अगर डायरेक्शन इस तरफ है साउंड की या किसी भी वेव की, तो इसमें जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर किसी भी तरंग को ऐसे जाना है तो वो कैसे जाएगी, इस तरीके से होती हुई जाएगी, ऊपर नीचे वाइब्रेट करती हुई जाएगी इस तरफ, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल पे वाइब्रेशन होती है, जैसे तनाव के तहत तार पर लहरें। अगर आपने कोई तार पकड़ रखा है, आपने देखा होगा जिम में नॉर्मली वीडियोस आती हैं कि वो जो एक स्ट्रैप होती है उसको हम इस तरीके से हिलाते हैं, देखा होगा डेफिनेटली रील्स वगैरह पे भी, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो, क्योंकि वो ऊपर नीचे हम लोग हिलाते हैं इस तरीके से। पानी के सरफेस पे, अगर आप पानी के सरफेस पे जो वेव्स देखते हो वो भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। आप देखो ये जो सोर्स है वो ये है, यहाँ से आपकी लाइट आएगी, आपको आपको यहाँ तक पहुँचना है, लाइट आएगी तो ऐसे डायरेक्शन ये है, लेकिन जो आती है वो ऊपर नीचे की तरफ होते हुए आती है, तो ये हो गई ट्रांसवर्स वेव्स। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स की, अयांत्रिक तरंगों की। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको माध्यम की नहीं पड़ी, इनको जरूरत ही नहीं है कि बीच में कुछ हो, हवा वगैरह हो, कुछ नहीं, इनको माध्यम की जरूरत ही नहीं है। इन्हें आप समझ लो, इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे रोशनी, लाइट स्पेस से, सन से यहाँ तक आ रही है, तो बीच में तो स्पेस है, कोई माध्यम नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी आती है, तो इनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बनी हुई होती हैं, जो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स बनी हुई होती हैं, फोटोन की बनी हुई होती हैं, आप देख सकते हैं, और इनकी रेंज, इनकी जो वेवलेंथ है, देखो मेरी बात सुनो, ये वेव है, एक तरंग है, तो एक पूरी तरंग की जो लेंथ होगी इसको वेवलेंथ बोलते हैं, तो इसकी कितनी लंबाई होती है, कितनी होती है वेवलेंथ इनकी, 10^-14 से 10^4 मीटर तक की जो वेव्स होंगी उन वो सभी आती हैं नॉन मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रो। तो देखिए होता ये है कि जब भी आप वेव्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जब भी हम तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, तो तरंग से यानी वेव से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है, या
हम किसी भी वेव को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी वेव किस चीज़ की है, तो वो हम पहचानते हैं कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर, जिनमें से वो पैरामीटर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है एम्पलीट्यूड यानी आयाम का। जो आपकी वेव होती है, ये एक आप मैंने यहाँ पे वेव बनाई है, एक तरंग बनाई है, तो मीन पोजीशन से यानी ये वाली जो पोजीशन है जिसको आप बोलते हो अनडिस्टर्ब्ड, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई विक्षोभ नहीं है, यहाँ से कोई भी वेव, कोई भी तरंग कितना ऊपर या कितना मैक्सिमम अधिकतम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना विस्थापित हो रही है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये अगर वेव है तो ये जो इसका अधिकतम डिस्टेंस होगा इसको आप बोलोगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑन ईदर साइड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये इक्विलिब्रियम पोजिशन है यानी ये आपकी समय स्थिति बोल दो, इक्विलिब्रियम पोजिशन बोल दो, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है। तो यहाँ से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अधिकतम कितना विस्थापन हो रहा है, उसको हम आयाम बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगली हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य की। ये नाम से ही पता लग रहा है कि एक तरंग की कितनी लेंथ है, एक तरंग की, एक वेव की कितनी लेंथ है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, मतलब क्या है कहने का, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है आप इस तरीके से ले सकते हो, अदरवाइज एक पूरी वेव की लेंथ देख सकते हो, उसको तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ बोलते हैं। इसको लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। इन ट्रांसवर्स वेव्स, आपको पता है ना दो तरीके की तरंगे पड़ी थी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की यानी अनुप्रस्थ तरंगों की। अनुप्रस्थ तरंगों में मैं आपको बता दूं, ये जो वेव है इसको ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं क्रेस्ट यानी रंग, और नीचे वालों को बोलते हैं ट्रो, को बोलते हैं श्रंग, इसको बोलते हैं गर्त। तो आप ऐसे देख सकते हो दो रिंगों के बीच का जो दूरी है उसको आप तरंग दैर्घ्य बोल सकते हो, एक रिंग और एक गर्त की जो पूरी लंबाई है उसको आप तरंग दैर्घ्य बोल सकते हो, या दो गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य बोल सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, अनुदैर्घ्य तरंगों में, तो उसमें नाम बदल जाते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट नहीं बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं कंप्रेशन, जिसको संपीडन बोलते हैं हिंदी में, नीचे वाले को बोलते हैं रेयरफैक्शन, विरलन जिनको बोला जाता है। तो इसमें भी सेम डेफिनेशन रहेगी, दो कंप्रेशन यानी दो संपीडनों के बीच की दूरी, या फिर एक संपीडन और एक विरलन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की दूरी, या दो रेयरफैक्शन यानी दो विरलनों के बीच की दूरी को वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। साउंड वेव्स, अभी तक आप नॉर्मली तरंगों के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो आप पढ़ोगे प्रॉपर साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के बारे में। इनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है और मैकेनिकल है, यानी इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, तीन तरीके की होती हैं, ऑडिबल जिनको हम सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक जिनको हम नहीं सुन सकते, अवश्रव्य या पराश्रव्य। आपको शॉर्ट में अगर बता दूं, जो ये ध्वनि की तरंगे होती हैं, इन सब की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग होती है। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स सुन सकते हैं। तो हम जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि तरंगे हैं हम वो सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक अवश्रव्य होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम वाली इनको हम नहीं सुन सकते, कुछ जानवर सुन सकते हैं केवल। अल्ट्रासोनिक होती हैं 20,000 से ज्यादा वाली, इनको भी हम नहीं सुन सकते, इनको भी कुछ जानवर सुन सकते हैं। तो ये तीन तरीके की तरंगे हैं, ऑडिबल 20 से 20,000 तक की इसकी रेंज होती है, इनको हमारा कान सुन सकता है। इसके अलावा इंफ्रासोनिक अवश्रव्य तरंगे, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती हैं, हम इन्हें नहीं सुन सकते, लेकिन कौन कौन सुन सकता है, डॉग्स, कैट, बैट, मस्किटो। सबसे फेमस बैट है, चमगादड़ है, आपने सुना होगा चमगादड़ रात को बेसिकली शिकार वगैरह सब रात को करती है, तो उसको दिखता नहीं है कैसे करती है, इसी के कारण, पराश्रव्य तरंगों के कारण। इसके अलावा इनका जो यूज़ है
अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज सबसे फेमस एक टेक्निक में यूज होता है जिसको बोलते हैं सोनार। ये टेक्निक है जो अंडरग्राउंड चीजें हैं, अंडर वाटर चीजें हैं, सॉरी, पानी में डूब चुकी हैं, ये पता लगाने का कि पानी में कहाँ डूबी हैं, कितने दूरी, कितनी गहराई में डूबी हैं, ये वो टेक्निक है। इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप देख सकते हैं ये सोनार टेक्निक है। शिप जाता है, कुछ भी अगर डूबा हुआ है, सबमरीन है या कुछ भी डूबा हुआ है, कुछ डूब चुका है या कुछ पानी के अंदर है, या मछुआरे हैं उनको मछलियां पकड़नी है, तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं पराश्रव्य तरंगें जाएंगी, टकराएंगी और वापस आएंगी, वापस बोट पर ही आती हैं। बोट पे कंप्यूटर रखा होता है जो स्पीड और टाइम को देखते हुए डिस्टेंस मेजर करता है कि कितनी दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो सोनार टेक्निक में क्या यूज करते हो आप, सबसे फेमस क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक साउंड। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, क्या गुण होते हैं ध्वनि तरंग के, लक्षण क्या होते हैं। तीन लक्षण है जो पढ़ने हैं। सबसे पहला है लाउडनेस यानी प्रबलता, आवाज कितनी ज्यादा तेज है। ये आप ये समझ लो कि कितनी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है एक सेकंड में, उसको लाउडनेस बोलते हैं। ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, जितना ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी ही ज्यादा आवाज तेज होगी, प्रबल होगी, तो ये आयाम पर निर्भर करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयाम जो है कम है, यहाँ पे आयाम ज्यादा है, तो ये सॉफ्ट साउंड है और ये लाउडर साउंड है, ये प्रबल आवाज है। इसके अलावा हम बात करते हैं लाउडनेस को आप मेजर कैसे करते हो कि आवाज कितनी तेज है, इसको मेजर करते हैं डेसिबल में। और मैक्सिमम जो हम सुन सकते हैं वो 95 डेसिबल, अधिकतम सुनने की क्षमता 95 डेसिबल है, और ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रात के टाइम पे 45 डेसिबल तक अलाउड होता है, आपको मैं ये भी बता दूं, ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिच की यानी तारत्व की, ये डिपेंड करती है यानी हम कितनी स्पीड से बोल रहे हैं, हम 2x स्पीड, 1.5x स्पीड करते हैं, वो पिच हम क्या कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी पे यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये बताता है एक शार्प साउंड और एक ग्रेव साउंड में, यानी एक मोटी और तेज ध्वनि के बीच में भेद करता है, किन्हीं की आवाज़ जो होती है थोड़ी मोटी होती है और किन्हीं की बिल्कुल पतली होती है, तो वो पिच के कारण ही होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लो पिच है क्योंकि कम आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी तरंगे बन रही हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ ये भी एक सेकंड का टाइम है, ये भी एक सेकंड का टाइम है, तो ये बहुत हाई पिच साउंड है और ये लो पिच साउंड। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी यानी गुणता की। ये अगर दो आवाज़ हैं, दोनों में लाउडनेस सेम है, दोनों की पिच भी सेम है, तारत्व भी सेम है, प्रबलता भी सेम है, तो आप कैसे उनमें आवाज़ में पहचान करोगे, आप पहचान करोगे क्वालिटी से। क्वालिटी ये बताती है, जैसे कोई गाना हम सुनते हैं तो हम गाना सुनते ही बता देते हैं कि ये किस सिंगर ने गाया है, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर सिंगर की क्वालिटी की थोड़ी आइडिया होता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिम्बर, इसको टिम्बर भी कहा जाता है। और ये तब हम कैसे इसके बारे में पता लगाते हैं, शेप से। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्लूट की, बांसुरी की, तो जो उसकी शेप बनती है ऐसे बनती है। अगर मैं बात करूँ वायलिन की तो ऐसे बनता है, बिल्कुल शार्प। तो हम शेप देख के क्वालिटी या टिम्बर का पता लगाते हैं, जिसको गुणता बोलते हैं हिंदी में। अब मैं बात करती हूँ लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फर्क है। देखो, लाउडनेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया प्रबलता, कितनी आवाज़ कान में जा रही है एक सेकंड में। इंटेंसिटी का मतलब भी लगभग लगभग सेम है, हल्का सा फर्क है, कितनी आवाज़ जा रही है एक सेकंड में एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, यानी कितनी जगह में कितनी आवाज़, यानी इसमें जगह भी इन्वॉल्व हो गई, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तो ये मैं आपको बता दूं, लाउडनेस और तीव्रता यानी लाउडनेस और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये इनके बीच में रिलेशन है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग आई के। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ के चले जाना। इसके बाद हम बात करते हैं एको की यानी प्रतिध्वनि की।
आपने नोटिस किया होगा, एक खाली रूम में अगर आप कुछ भी बोलते हो तो गूंज के आवाज़ वापस आती है, उसी को एको बोलते हैं. तो रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, टकरा के वापस आएगी, तो इसलिए आपको परावर्तन सुनाई देगा. अगर आपको इको सुननी है, अगर आपको एक एको सुननी है, अगर आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो, आपने कुछ बोला, आपको एको सुननी है, लेकिन अब आपको दोबारा कुछ बोलना है, तो उनके बीच में जो टाइम होना चाहिए 0.1 सेकंड का होना चाहिए. एक बिल्कुल क्लियर एको सुनने के लिए, एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल और परावर्तित ध्वनि के बीच का अंतराल कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो भी बोलते हो आपके दिमाग में 0.1 सेकंड तक वो रहता है. तो आपने कुछ बोला तो वो आपके दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहेगा, लेकिन अगर उससे पहले ही एको आ गई तो आपके दिमाग में ओरिजिनल साउंड भी थी, एको वाली भी थी, तो मिक्स हो जाएगी, आपको कुछ क्लियर समझ नहीं आएगा. तो एको सुनने के लिए एको यानी प्रतिध्वनि और मूल ध्वनि में 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए. इसके अलावा एको सुनने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए आवाज़ में और जहाँ से वो टकरा रही है. अगर ये है सोर्स, ये साधन है जहाँ से आवाज़ निकल रही है, ये दीवार है, तो ये टकराएगी और वापस आएगी, इसको हम एको बोलेंगे. तो ये मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम दूरी 17 मीटर यानी लगभग 16.6 है, जिसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 17 मीटर की मिनिमम दूरी होनी चाहिए. इसके अलावा हम बात करते हैं स्पीड की, यानी जो आपका वेग होता है, जो वायुयान चलते हैं, जो आपके आप कह लो कि जेट एरोप्लेन है, नॉर्मल एरोप्लेन है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, सबकी स्पीड होती है अलग अलग. कौन, अब आपको मैं तीन स्पीड बताने वाली हूँ. सबसे पहली है सुपरसोनिक. अगर आपको मैं बताऊँ, साउंड की स्पीड फिक्स नहीं होती, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हवा पे डिपेंड करती है. तो नॉर्मली 344 के अराउंड लेते हैं हम मीटर पर सेकंड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. मेरे ख्याल में ये शायद 20 डिग्री या 16 डिग्री पर है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, तो मैं आप ये याद करने की नीड भी नहीं है एज सच. अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज चल रहा है तो हम उसकी स्पीड को बोलते हैं पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक. हाइपरसोनिक जब साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, काफ़ी ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक. सब सोनिक का क्या है, निम्न पराध्वनिक गति का क्या है, जब साउंड की स्पीड से कम स्पीड होगी तो हम उसको बोलेंगे सब सोनिक ध्वनि या निम्न पराध्वनिक चाल. इसके अलावा बात करते हैं हीट की. हीट क्या है, आपको पता है, ऊष्मा, ऊर्जा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. अगर आप एक ठंडी ऑब्जेक्ट और गर्म ऑब्जेक्ट को पास रख दोगे, एक ठंडे और गर्म को, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को पास रखोगे, तो कोल्ड वाला गर्म होना शुरू हो जाएगा और हॉट वाला ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होता है. तो डिपेंड करता है मास पे शरीर, अच्छा ये द्रव्यमान पे डिपेंड करता है एक तो, दूसरा कितना टेम्परेचर का गैप है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स, पारिस्थितिकी. इसमें होता क्या है, ठंडा है कोई ऑब्जेक्ट और एक गर्म है, आपने उनको साथ में रख दिया, तो थोड़े टाइम के बाद गर्म वाले से हीट इसमें जाएगी, ठंडे वाले में, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये दोनों सेम तापमान पर आ जाएंगे. जो ठंडे वाला था वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, और जो गर्म वाला था वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा. तो ये टेम्परेचर डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर क्या होता है, तापमान, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो ये बताता है. नापते किससे हैं, थर्मोमीटर से. ऐसा ही मात्रक पहली स्लाइड में बता चुकी हूँ, केल्विन है. बची हुई दो यूनिट्स और हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस. हम लोग जो काम करते हैं, हम कितने डिग्री, हम कितने उस पर काम करते हैं, हम फ़ारेनहाइट पर काम करते हैं, हम सेल्सियस पर काम करते हैं. हर कंट्री में अलग होता है मैं आपको बता दूँ. और जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों यूज़ कर लेते हैं कभी भी. अच्छा, इनमें रिलेशन आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन्स हैं जो आप लर्न करोगे. जैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5C+32. ये रिलेशनशिप है. और एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, ऐसा कौन सा तापमान है. आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सेल्सियस की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो फ़ारेनहाइट कुछ और निकल के आएगा कैलकुलेट करके. एक तापमान ऐसा है जो आप सेल्सियस में पुट करोगे, एक टेम्परेचर ऐसा है कि जो आप सेल्सियस में पुट करोगे फ़ारेनहाइट में भी एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी. एक ही है, वो है -40 डिग्री. -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पे बिल्कुल सेम, इस स्केल पे सेम आया दिखाई देगा. जब सेल्सियस में -40 हो रहा होगा टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में भी -40 ही हो रहा होगा.
इसके अलावा केल्विन में भी एक रिलेशन है, केल्विन को कैसे निकाल सकते हो, सेल्सियस प्लस 273, या सेल्सियस कैसे निकाल सकते हो, केल्विन माइनस 273। तो ये रिलेशनशिप्स हैं जो आपको करनी है। चैप्टर्स में मैं प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट्स और वैसे लर्न करा चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो आप केल्विन स्केल पे नापते हो। केल्विन स्केल ऐसा ही है ना, ऐसा यूनिट है, यानी ऐसा ही मात्रक है, तो आप केल्विन स्केल पे मापते हो। इसके अलावा वहाँ पे जब किसी टेम्परेचर, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर केल्विन पे अगर जीरो दिख जाए, तो वो उसका एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और एक चीज़ और, एक होता है जीरो पॉइंट, शून्य बिंदु। शून्य बिंदु या जीरो पॉइंट वो है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ठंडा नहीं कर सकते, जितना ठंडा कर सकते हो आप कर चुके हो। अब उस जब आप ठंडा करते हो चीज़ को, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो हिल नहीं पाते। जितने गर्म होंगे उतने हिलेंगे, जितना ठंडा करोगे वो नहीं हिल पाएंगे। तो जीरो पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे ऑब्जेक्ट को और ठंडा नहीं किया जा सकता, उसके पार्टिकल्स हिलना बिल्कुल बंद हो चुके। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाना है सिर्फ एक डिग्री, एक डिग्री बढ़ाने के लिए कितना आप उसको गर्म कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू वन डिग्री, पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापमान को एक डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। ऐसा यूनिट है इसकी जूल पर किलोग्राम केल्विन। आप लर्न करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है। तो हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे जा रही है, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे संचरण हो रहा है। तीन तरीके होते हैं जिनसे संचरण होता है, कंडक्शन जिसको चालन बोलते हैं, कन्वेक्शन संवहन बोलते हैं, रेडिएशन विकिरण बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन यानी चालन की। इसके अंदर क्या होगा, जैसे तरंगे जा रही थी कि मैंने कुछ बोला, यहाँ के पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, ये वाइब्रेट करते करते अगलों से टकरा जाएंगे, फिर ये वाइब्रेट होंगे, ये वाइब्रेट करते करते अगलों से टकरा जाएंगे, फिर अगले वाइब्रेट होंगे, इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होगा, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय सक्सेसिव वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल, माध्यम के कणों के क्रमिक कंपनों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। सॉलिड्स में ही होगा, क्योंकि सॉलिड्स में ही पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, टकराएगा दूसरे से जाके टकराएगा। नेक्स्ट है कन्वेक्शन यानी संवहन। इसके अंदर क्या होगा, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होगा कन्वेक्शन में, कि अगर मान लीजिए दो तीन पार्टिकल्स हैं, मैं एक पार्टिकल हूँ, मुझे गर्म किया है, तो मैं हीट खुद जाकर पहुँचाऊँगी दूसरे पार्टिकल तक। पार्टिकल दूर है तो मैं खुद चल के जाऊँगी। तो इसके अंदर क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक एक्चुअल मूवमेंट होगा, इसी को कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। ये लिक्विड और गैसेस में होगा, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में ही ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तविक गति से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और इसके कारण एक धारा स्थापित होती है जिसे संवर्धन धारा कहा जाता है। अगला है रेडिएशन, सबसे आसान सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, इसमें जिसको फैलना होता है, जिसको जहाँ जाना होता है वो अपने आप चला जाता है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती। सनलाइट, सनलाइट वैक्यूम से स्पेस से यहाँ तक आ रही है, और बीच में हवा है, अर्थ पे आ जाती है तो हवा है, अर्थ के बाहर अगर मैं बात करूँ वहाँ हवा नहीं है, वहाँ एयर नहीं है, वहाँ कोई मीडियम नहीं है। तो रेडिएशन में कोई पार्टिकल्स का कोई लेना देना नहीं होता। हीट टेक्स प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, ऊष्मा प्रकाश की गति से बिना मध्यवर्ती माध्यम को प्रभावित किए चलती है। तो अब आप देखो, अगर आपने कुछ चीज़ गर्म कर रहे हो, कंडक्शन होगा इस मेटल के पॉट के अंदर, ये जो बर्तन है क्योंकि सॉलिड है तो इसमें कंडक्शन होगा, अंदर के पानी के अंदर लिक्विड है, कन्वेक्शन होगा, संवहन होगा। और रेडिएशन का मतलब क्या होगा, जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, ये आसपास जो फैलेगी वो होगा रेडिएशन के माध्यम से। चेंज ऑफ स्टेट्स, जैसे आपको पता है कि कोई भी पदार्थ तीन तरीकों से एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस तरल और द्रव। तो आप इनको आपस में कैसे चेंज कर सकते हो, तो नॉर्मली दो तरीकों से चेंज किया जा सकता है, या तो आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, और टेम्परेचर का दुश्मन है प्रेशर, यानी दाब लगा के। तो टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले आपको मैं इसके अलावा बता दूँ, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिक बिंदु जिसको बोलते हैं, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान जिसपे सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी एक सब्सटेंस
तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म दिखाएगा, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट या फिर त्रिक बिंदु। आप देख सकते हो सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अगर आपको इसको लर्न करना है, सबसे बेस्ट तरीका है लर्न करने का, आप ये देख लो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। आपको सॉलिड से लिक्विड पे जाना है और फिर लिक्विड से गैस पे आना है और वापस भी आना है। तो मैं पर्सनली एग्जांपल लेके चलती हूँ पानी का, ये हो गया आइस यानी बर्फ, ये हो गया वाटर और ये हो गई भाप यानी वाटर वेपर। तो सबसे पहले अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, आप क्या कहोगे, इसको पिघलाओगे ना, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने को बोलते हैं मेल्टिंग, और एक और नाम है मेल्टिंग का तो फ्यूजन भी कहा जाता है, एक ही बात है। पानी से वाटर भाप बनानी है, गर्म करोगे ना, उबाल दोगे पानी को, अपने आप भाप बन जाएगी बाद में, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। इसको वेपराइजेशन भी बोला जाता है, या वेपर बना रहे हो। अब भाप से पानी बनाना है, मैगी बनाते वक्त जब हम ऊपर प्लेट ढकते हैं तो जो भाप है, थोड़ा टाइम बाद आप प्लेट हटाओगे तो नीचे ड्रॉप्स दिखाई देंगे प्लेट के, भाप को जैसे ही भाप ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आती है वो पानी में बदल जाती है। ठंडा कर रहे हो, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठंडा करना। फ्रिज में होता है ना कंडेंसर, वहां से लर्न कर सकते हो। इसके बाद पानी से बर्फ जमानी है तो फ्रीजर में रखते हो, राइट, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको करनी है। इसके अलावा दो प्रोसेस और हैं कि अगर आपको डायरेक्टली सॉलिड को गैस में बदलना हो, लर्न करना पड़ेगा, पानी वाला चीज तो चली नहीं सकती है क्योंकि बर्फ को डायरेक्टली आप वाटर वेपर में, पानी की भाप में नहीं बदल सकते हो, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसी तरीके से अगर डायरेक्टली गैस को बदलना हो आपको सॉलिड में, इसको भी क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोला जाता है। तो चलिए अब इन्हीं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है फ्यूजन यानी गलन। देखो यही था ना फ्यूजन, जिसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, पिघलना भी कहा जाता है। सॉलिड चेंज होगा लिक्विड के अंदर, इसके अलावा ये पर्टिकुलर एक तापमान पे होता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु कहा जाता है। फ्रीजिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्रीजिंग क्या है, उल्टा, के अंदर लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में, ठोस जो द्रव है वो ठोस में परिवर्तित होता है। ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु कहते हैं। जैसे पानी है, पानी जमना शुरू होता है 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, हिमनांक बिंदु हो गया। इसके अलावा मेल्ट, और आपको मैं बता दूं क्योंकि ये दोनों बिल्कुल उल्टे प्रोसेसेस हैं, ये इसमें क्या होगा कि सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, ये होगा लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में। मतलब अगर आप बर्फ से जा रहे हो पानी की तरफ तो 0 डिग्री पर आते वो पिघलना शुरू हो जाएगा, अगर आप पानी से जा रहे हो बर्फ की तरफ तो 0 डिग्री पर आते वो जमना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा बराबर होते हैं, हिमांक और गलनांक हमेशा बराबर होते हैं। इसके अलावा अगला है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बेसिकली इंग्लिश में तो एक प्रोसेस हो गई कि लिक्विड चेंज होगा वेपर में, तरल चीज बदलेगी भाप में। हिंदी में क्या है, हिंदी में दो अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। दो तरीकों से आप कर सकते हो, पहला है इवापोरेशन, अगला है बॉइलिंग, जिसको इब्यूलिशन बोलते हैं, यानी एक तो है वाष्पीकरण और एक है वाष्पन। क्या फर्क है इन दोनों में, देखिए होता यह है कि आपको करना क्या है, लिक्विड को चेंज करना है गैस में, तो एक तो इसको उबालने के लिए रख दो, पानी पहले उबल जाएगा फिर वो गैस में बदल जाएगा। दूसरा जो समुद्र में होता है, आप उसमें पानी तो नहीं उबालते ना, समुद्र का पानी उबलता थोड़ी ना है, सूरज की गर्मी से हल्का सा गर्म होगा और वो अपने आप से वेपर में उड़ जाएगा। ये प्रोसेस है दो अलग अलग। तो जो समुद्र में होता है वो होता है इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, जो हम लोग किचन में करते हैं वो है बॉइलिंग यानी इब्यूलिशन। इवापोरेशन में क्या होगा,
इसके अंदर सिर्फ जो लिक्विड है, ये लिक्विड है, तरल है, सिर्फ इसके बाहर वाले सरफेस पे होगा और हर टेम्परेचर पे होगा. मतलब इसमें गर्म करने की नीड नहीं है, सूरज की गर्मी से किसी भी टेम्परेचर पे ये उड़ जाएंगे. द्रव की खुली सतह से हर ताप पर होता है और ठंडक मिलती है जब भी इवापोरेशन होगी, क्योंकि पानी क्या करेगा, पानी हल्की सी गर्मी लेगा और उड़ जाएगा. तो गर्मी लेगा ना, गर्मी कम हुई ना तो ठंडक महसूस होती है. जैसे आप देख सकते हो गर्मियों में मटके में पानी रखा जाता है, तो वो किस लिए रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि मटके में जो पानी है, मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं, पानी उनमें भरता है, गर्मी लेता है अंदर वाले पानी की और उड़ जाता है. अंदर वाले पानी से गर्मी कम हुई तो अपने आप अंदर वाला पानी हमें ठंडा महसूस होता है. इसके अलावा अगला है बॉयलिंग. बॉयलिंग में क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे जब हम उबालते हैं पानी, जैसे आपको पता है पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो 100 डिग्री तक गर्म करोगे उसके बाद पानी भाप में बदलना शुरू होगा, तो फिक्स टेम्परेचर पे होगा. पूरा का पूरा लिक्विड गर्म होता है. इवापोरेशन में सिर्फ ऊपर की सतह हो रही थी, इसमें पूरा का पूरा लिक्विड पूरा द्रव में होता है और इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जो निश्चित बिंदु होता है, क्वथनांक कहा जाता है. तो आपने अगर देखा जाए, ये दोनों पढ़ ली हैं, बॉइलिंग वेपराइजेशन पढ़ ली. अब कंडेंसेशन की बात हम करते हैं. कंडेंसेशन में क्या करते हैं, उसको संघनन बोला जाता है. वेपर चेंज होगा लिक्विड में, वाष्प द्रव में बदल जाएगा. इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ, देखो वाष्प है ऐसे, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, द्रव है ऐसे. तो टेम्परेचर तो आपको पता लग गया भाई, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, ऊर्जा. अगर आप ये इतने दूर हैं वाष्प में, वेपर में, इनको और ऊर्जा दे रहे हो तो और दूर चले जाएंगे ना, तो आपको टेम्परेचर नहीं देना, मतलब कम करना है. तो टेम्परेचर तो कम करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा. लेकिन अब अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊँ प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर से, दाब से इसको कैसे चेंज कर सकते हो. वाष्प में इतने दूर पार्टिकल्स थे और लिक्विड में इतने दूर पार्टिकल्स हैं, ठीक है. तो आपको यहाँ से यहाँ आना है, क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा. तो इंक्रीज इन प्रेशर से कंडेंसेशन बढ़ जाता है. इसके अलावा अगर इम्प्योरिटी कुछ डाल दी तो भी कंडेंसेशन बढ़ जाता है, संघनन बढ़ जाता है. नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. देखो मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ, ये कोई सॉलिड चीज थी, अब आपको पता है कि ठोस चीज में जो ये दो चीजें होती हैं बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं. तो मैंने मान लिया इनके बीच में जो फोर्स है वो 20 जूल की है, 20 जूल का अट्रैक्शन है, एनर्जी जो है इनके बीच में वो 20 जूल की है. फोर्स की बात कहूँ तो या मैं ये कह देती हूँ 20 जूल की इनके बीच में एनर्जी है जिससे चिपके हुए हैं. अब आपको क्या करना है, इसको गर्म, इसको क्या करना है, इसको लिक्विड में बदलना है. तो लिक्विड में कैसे बदलेंगे, पहले तो आपको इन्हें अलग करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद इन्हें और ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि थोड़े से दूर दूर अब सेट हो जाएं. तो इसी वजह से मेल्टिंग में जब आप पिघलाते हो किसी चीज को, या बॉइलिंग में, इनमें क्या होता है जो हम किचन में करते हैं कि पहले अगर आप उबाल रहे हो तो आप पहले उबालोगे फिर वो बदलना शुरू होगा. तो ऐसे ही जब आप जमा रहे हो तो पहले ठंडा करोगे फिर वो जमना शुरू होगा. तो देखो आप क्या करते हो, पहले आप क्या करोगे, इनके पास एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, तभी तो चिपके हुए हैं, अगर एनर्जी होती तो हिल रहे होते. तो पहले आपने इसको एनर्जी देनी शुरू करी, आपने 0, 1, 2, 3, 4, 20 जूल तक एनर्जी आपने इसको दी ताकि इनके बीच में ये टूट जाए. तो ये जो आप एनर्जी शुरुआत में दोगे तो दिखेगी, कैसे दिखेगी, आप थर्मोमीटर डालोगे आपको दिखेगा कि अच्छा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप गर्मी दे रहे हो. अब 20 जूल के बाद क्या होगा, 20 जूल के बाद ये होगा कि ये थोड़े दूर दूर जाने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब आप इसको और एनर्जी दे रहे हो. तो मेरा मतलब क्या है कहने का, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा. जब सॉलिड है आप स्टार्टिंग में हीट दोगे ताकि इनके बीच की फोर्स टूट जाए. यानी छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो तो स्टार्टिंग में थर्मोमीटर रखोगे तो आपको थर्मोमीटर में टेम्परेचर दिखाई देगा. मान लो आपने बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने गैस पर रखा हुआ है, थर्मोमीटर डाला हुआ है, मान लो वो बर्फ़ -10 डिग्री पर थी, तो -10 से 0 डिग्री तक आते आते आपको थर्मोमीटर में दिखेगा कि 0 डिग्री आ चुका है, यानी वो ठंडा, मतलब आपने गर्मी देनी शुरू कर दी. 0 डिग्री पर आते ही क्या होगा, इनके बीच की जो फोर्स थी वो टूट गई. लेकिन अगर आप उसे और भी गर्म करोगे तो वो पानी में बदल जाएगा, राइट. लेकिन वो आपको थर्मोमीटर पे नहीं दिखेगा. क्यों, क्योंकि
पहले वाली जो फोर्स थी वो आप इनको दे रहे थे और ये एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो वो दिख रहा था कि अच्छा हम इकट्ठा कर रहे हैं। बाद वाली जो आप उनको हीट दे रहे हो, अब वो दूर दूर जा रहे हैं, यानी आप खाना दे रहे हो वो हाथों हाथ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से दिखेगा? पहले वाला जो आप खाना दे रहे थे वो अपने पास उठा के रख रहे थे, तो दिख रहा था यहाँ किचन में रखा हुआ है। अगली बार जब आप उसको और खाना दे रहे हो, जब वो जीरो डिग्री पर आ चुका है, मेल्टिंग पॉइंट पर आ चुका है, अब वो उसको यूज़ करेगा तो दूर जाना है, तो बाद वाली जो हीट होती है वो कभी नहीं दिखती थर्मोमीटर पे, इसलिए उसको लेटेंट यानी गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। तो ये वो हीट है जो स्टेट चेंज करने में हेल्प करती है, जो अवस्था को बदलने में मदद करती है। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बाद, जीरो डिग्री के बाद। इस तरीके से वेपराइजेशन की भी होगी, पहले पानी को उबालोगे तो उबालने में क्या है कि पहले आप इसको हीट दे रहे हो ताकि इनके बीच की फोर्स टूट जाए, टूटने के बाद ये और दूर जाना शुरू होगी। तो सेम वो हीट जो आप लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए दोगे उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अगला है सब्लिमेशन यानी उर्ध्वपातन, सॉलिड डायरेक्टली बदल जाता है वेपर में जैसा मैंने आपको बताया, या फिर वेपर बदल जाता है डायरेक्टली सॉलिड में। ये कब होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु कम होता है मेल्टिंग पॉइंट से, गलनांक से, यानी ऑब्जेक्ट का मेल्ट नहीं हुआ लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आ चुका, वो उबल पहले गया, तो तब होता है। एग्जांपल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन, नेप्थलीन की गोलियां होती हैं जो नए कपड़ों में बॉटल्स वगैरह में रखी हुई होती हैं ताकि कीड़े वगैरह ना लगें, एंथ्रासीन इसी की ही फैमिली का कंपाउंड है, आयोडीन एक्सेट्रा। चलिए कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और गैस। फोर्थ और फिफ्थ स्टेट भी डिस्कवर हो चुकी है, फोर्थ को बोलते हैं प्लाज्मा, सूरज और तारों के अंदर प्लाज्मा ही मिलता है और ये इलेक्ट्रॉन और आयन से बना होता है, प्लाज्मा जिस चीज़ में होगा वो चमकती है चीज़। फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में इतनी ज़्यादा पढ़ाई अभी नहीं हुई है, द एक्सपेरिमेंट्स एंड द रिसर्चेज आर गोइंग ऑन। तो ये तब बनता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन घनीभूत, जब आप किसी गैस को हद से ज़्यादा ठंडा कर दो और वो गैस भी बहुत हल्की हो, बहुत लो डेंसिटी की गैस हो, उसको आपने ठंडा भी कर दिया और टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया उसका, तो बनता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स, मैंने शायद इसको पारिस्थितिकी बोल दिया था, वो इकोलॉजी है, ये है ऊष्मा गति की। थर्मोडायनामिक्स का मतलब है हीट का कैसे एक्सचेंज होता है, ऊष्मा कैसे आती और जाती है। तो इसके दो नियम है जो आपको पढ़ने हैं, पहला नियम तो बहुत आसान है, पहले पढ़ चुके हो, जो आपने पढ़ा था ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ये वही है। हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज यूज्ड इन फॉलोइंग टू वेज, अगर आप किसी भी निकाय को ऊष्मा देते हो, किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो, वो दो तरीके से यूज करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, अपना तापमान बढ़ाएगा, और तापमान अपना खुद का बढ़ाने का मतलब है अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड हैंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। दूसरा, अगर अब आपने और भी उसको हीट एनर्जी दी तो अपना तापमान बढ़ाने के बाद वो जो बची हुई एनर्जी है उसको यूज करेगा बाहर काम करने के लिए, इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम। तो ये कहता है कि जितनी एनर्जी आप इसको दोगे, जितनी आप हीट दोगे, उससे एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा आप उससे काम करोगे, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा जितनी आप हीट दोगे। तो ये क्या था, यही तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, कि जितनी ऊर्जा दे रहे हो वो फॉर्म चेंज कर सकती है लेकिन खत्म या बन नहीं सकती। तो ये थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। और आपको बता दूं, यही क्वेश्चन आता है कि थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ की दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेते हैं। केल्विन और क्लोजियस दो लोग थे जिन्होंने दूसरा नियम दिया था अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहला केल्विन, ऊष्मा का पूरी तरीके से कार्य में परिवर्तन असंभव है। अगर आप ये सोच रहे हो हीट दे रहे हो और हीट से सिर्फ वर्क करवा लो, वो इम्पॉसिबल है। होल ऑफ द हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इन टू वर्क, दूसरा क्लोजियस की स्टेटमेंट है। हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर, ऊष्मा
गर्मी खुद से ठंडे से गर्म में नहीं जा सकती, ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे में ही आएगी। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। क्लॉजेस के अनुसार ऊष्मा अपने आप कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लाइट की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश की एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय, दैट मीन्स ट्रांसवर्स हो गई, अनुप्रस्थ हो गई, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, इनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। वेवलेंथ क्या होती है जो हम देख सकते हैं उस लाइट की, लाइट बहुत सारी तरीके की होती है पर जो हम देख सकते हैं प्रकाश, उसको जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लर्न करके रखेंगे। दो तरीके की बॉडीज होती हैं, दो तरीके की वस्तुएं होती हैं। सबसे पहली है आपकी ल्यूमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं जो खुद से जलती हैं, जिनके पास उनकी खुद की रोशनी होती है, वो है प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे सन, ट्यूबलाइट, उनकी खुद की रोशनी होती है। अगली है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज यानी अप्रदीप्त वस्तुएं, ये इनके पास इनकी खुद की रोशनी नहीं होती। ये कैसे दिखाई देती हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वही चीज़ दिखाई दे सकती है जिसके पास उसकी खुद की रोशनी होती है। तो ये कैसे दिखाई देती हैं, ये ऐसे दिखाई देती हैं, इनके पास भले ही इनकी खुद की रोशनी ना हो पर ये जो दूसरों से रोशनी आ रही है उसको टकरा के भेज देती हैं, तो सामने वाले ऑब्जेक्ट को लगता है कि रोशनी हमारे से ही आ रही है, तो वो है आपकी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी अप्रदीप्त वस्तुएं। इसका एग्जांपल है मून, चंद्रमा। आपको पता हो चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती, चंद्रमा सूरज से आने वाली रोशनी को टकरा कर भेजता है, परावर्तित करके भेजता है। विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम, उन पर प्रकाश डालने पर दिख जाते हैं। अगला हम बात करें वस्तुओं के वर्गीकरण की, तो वस्तुएं जितनी भी होती हैं तो इनका वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो तीन तरीके की वस्तुएं होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, पारदर्शक, अर्ध पारदर्शक और अपारदर्शक। पारदर्शक मतलब जिनमें आर पार देखा जा सकता है, विच अलाउ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम, जितनी लाइट आ रही है सबको पास होने देंगे, इन ग्लास, वाटर, कांच हो गया, पानी हो गया, तो जिनमें प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। अगला है अर्ध पारदर्शक, जिनमें से प्रकाश की किरणों का कुछ भाग अवशोषित होता है और कुछ निकल जाता है। ओपेक जो थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं, इनमें क्या होगा जितनी रोशनी आएगी उसका कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ अंदर निकल जाएगा, जैसे ऑयल्ड पेपर, तेल लगा हुआ कागज़। अगला है ओपेक सब्सटेंस, अपारदर्शक वस्तुएं, ये लाइट को पास ही नहीं होने देती, जैसे हमारी बॉडी अगर लाइट आएगी तो वो पीछे से नहीं निकल सकती, तो ये लाइट को पास होने नहीं देती। कोई भी शीशा है, धातु है, तो ये अपारदर्शक वस्तुएं। अगला हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिवर्तन। जब भी रोशनी आएगी, कोई रोशनी आई, किसी ठोस चीज से टकरा के वापस जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, प्रकाश का किसी ठोस सतह से टकराकर वापस आने को परावर्तन कहा जाता है। ये हमेशा एक ही माध्यम में होता है, अगर यहाँ हवा है तो जो लाइट आ रही है वो भी हवा में आ रही है, जो लाइट जा रही है वो भी हवा में जा रही है, तो माध्यम हमेशा सेम रहता है। जब भी ऐसे परावर्तन होगा तो दो नियम लाइट फॉलो करेगी। सबसे पहला नियम ये है, ये जो रोशनी आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ये बीच में हम बनाते हैं नॉर्मल अभिलंब, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सबसे अच्छा इस बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतित बिंदु, क्योंकि लाइट यहां पर आकर गिरी है। देखिए तो सबसे पहला नियम है कि जो आपतित बिंदु है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां पे तीन आपको लाइन दिख रही होंगी, वो तीनों हमेशा सेम प्लेन पर लाई करेंगी। मतलब क्या है इसका, या तो तीनों ऐसे होंगी या तीनों ऐसे होंगी, एक डायरेक्शन में होंगी, एक प्लेन में होंगी। ऐसा नहीं होगा कि दो किरणें ऐसी हैं और एक इस तरफ से निकल रही है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला नियम यही है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो एंगल होता है, कोण जो बना, इसको बोलते हैं आपतित कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तित कोण। दोनों हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे। इसके बाद जब भी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब जो बनता है, दो तरीके का प्रतिबिंब बनता है, एक रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब और एक वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। आप शीशे के सामने खड़े हो तो शीशे में आपका एक इमेज दिखाई दे रही है, एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो ऐसा प्रतिबिंब जो आपके वहाँ से जाने के बाद भी दिखाई दे, वो तो होता है रियल इमेज। जैसे आप देख सकते हो कि हम मूवीज़ देखते हैं, हम मूवीज़ अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक्टर दिखाई दे रहे हैं ना, एक्टर की इमेजेस। एक्टर्स वहाँ रियल में तो नहीं है, वो शूट करके जा चुके हैं, लेकिन तब भी हमें एक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, वो रियल इमेज है। शीशे के सामने हम खड़े हैं, सुबह हम खड़े हुए, शाम को हमको देखना है अपने आप को, तो हमें वापस जाके खड़ा होना पड़ेगा। आपके जाने के बाद वापस से वो इमेज नहीं दिखेगी, वो है आभासी प्रतिबिंब। वो उसी टाइम के लिए आभास होता है जिस टाइम के लिए आप खड़े हुए हो। तो ऐसी इमेज जो बनती है, ऐसा प्रतिबिंब जो बनता है, जब लाइट असल में मीट करती है, जो प्रकाश की किरणें हैं असल में आके मिल जाएंगी, तो रियल इमेज बनती है। ये हमेशा उल्टी बनती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, उनको बाद में सीधा किया जाता है। तो दीज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। जैसे सिनेमा स्क्रीन पे बनती है वो रियल इमेज है, और आप इनको स्क्रीन पे बना सकते हो, इनको स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। वर्चुअल इमेज क्या होगा, इनमें लाइट असल में मीट नहीं करेगी, इनमें बस हमको लगता है कि लाइट जैसे मीट करी हो, पर असल में मीट नहीं करती। ये हमेशा सीधी बनती हैं। प्लेन मिरर यानी प्लेन मिरर मतलब हमारा घर वाला जो शीशा होता है, जो ड्रेसिंग टेबल में होता है, उसमें जो है आपको वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, इनको स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, अभी तक प्लेन मिरर था, सीधा मिरर था, अब जो आप मिरर ले रहे हो, जो दर्पण ले रहे हो, वो गोलीय दर्पण है, यानी आपने गोले से बनाए हैं, स्फेयर से बनाए हैं। स्फेयर से दो तरीके के दर्पण बन सकते हैं, या तो ये शेप बनेगी, ये बाहर की तरफ निकला हुआ जो है यहाँ से परावर्तन होगा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, इसके कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण, या ये शेप बनेगी, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इससे परावर्तन होगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव। ये मैं आपको ट्रिक से लर्न करा चुकी हूँ चैप्टर्स में, तो इसमें बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण। तो दो तरीके के दर्पण होते हैं, मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर दोनों इमेज बनती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। इसके अंदर जो बाहर निकला हुआ है, इसके अंदर बनती है वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। अवतल वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये पोजीशंस हैं अलग अलग, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, पर मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसमें बिल्कुल बीच में हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी जो मेन अक्ष होता है ये है, इसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। आपको पता है कि ये हमने गोले से बनाया है, और गोले का भी एक केंद्र होता है, स्फेयर का भी एक सेंटर होता है, तो ये हो गया आपका सेंटर। इसका पूरा नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके बिल्कुल बीच में आता है फोकस। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हो, आपके पास बहुत सारी जगह बन जाती है। आप ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख सकते हो, फोकस पे रख सकते हो, F और C के बीच में रख सकते हो, C के ऊपर रख सकते हो, C के पीछे रख सकते हो, और फिर बिल्कुल इन्फिनिटी पर रख सकते हो। टोटल 6 केस होते हैं। पूरे चैप्टर में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पूरा मैं डीप में समझा चुकी हूँ, तो आप फटाफट से इसको शॉर्ट में करते हैं। तो आपके 6 केस हैं। सबसे पहले P और F के बीच में रखा, आप देख सकते हैं ये P था, ये फोकस था, ये सेंटर था। तो सबसे पहले पोल और फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस पे, फिर फोकस और सेंटर के बीच में, फिर सेंटर पर, सेंटर के पीछे और इन्फिनिटी पे। ये है आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जो आपने वस्तु रखी है उसकी आपको पोजीशन पता लग गई। अब मैं आपको याद कराने वाली हूँ इमेज कहाँ बनती है। इमेज को याद करने का सबसे आसान तरीका है, पहले वाले को छोड़ दो,
पहले वाले को बिल्कुल छोड़ दो और उसके बाद इनको उल्टा लेना शुरू करो। फोकस का रिलेशन होता है इन्फिनिटी के साथ, तो जब फोकस पे रखोगे इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे इमेज बनेगी। इधर से सेकंड नंबर का होता है इधर से सेकंड नंबर, यानी एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी रखा है तो वो बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। बीच में जो बचा है इसका खुद के साथ रिलेशन होता है, सी पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो सी पर ही इमेज बनेगी। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्ट्स की पोजिशन। साइज की बात करते हैं, पहले वाला मैंने छुड़ा दिया था क्योंकि आपको पता है इसमें दोनों टाइप की इमेज बनती है, रियल और वर्चुअल दोनों, आभासी और वास्तविक दोनों बनती है। तो पहले वाले में तो बनेगी बस आभासी, बाकी हर एक में वास्तविक इमेज बनती है, ठीक है। तो पहले वाली में जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, अभी तक क्या हो रहा था जो आपने बाकी केस पढ़े हैं, जो ये शीशा है इधर ऑब्जेक्ट को रखा है इमेज भी इधर ही बन रही है, लेकिन पहले केस में ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे इमेज इधर बनेगी, शीशे के इधर बिहाइंड द मिरर। अब हम बात करते हैं साइज की, जिसका रिलेशन खुद से है वो बिल्कुल बराबर, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज की इमेज बनेगी। इसके ऊपर सारे बड़े हैं, इसके नीचे सारे छोटे हैं, और जहां पे इन्फिनिटी आ जाता है वहां पे चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कहीं पे भी इन्फिनिटी आ गया तो हाईली वर्ड जोड़ देंगे, यानी बड़ी तो बनती है पर बहुत ज्यादा बड़ी बनती है, हमको नहीं दिखती, मतलब मेजर नहीं कर सकते। यहाँ इन्फिनिटी आ गया, इसके आगे डिमिनिश लिखा हुआ है, छोटी लिखा हुआ है, तो हाईली वर्ड जोड़ दिया, इसको ध्यान रखेंगे। नेचर में बता ही चुकी हूँ, पहला केस आभासी होता है, बाकी सब रियल और इन्वर्टेड इमेज होते हैं। तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव यानी अवतल जो दर्पण होता है। कॉन्वेक्स के सिर्फ दो केस हैं, बिल्कुल आसान, या तो आप शीशे के पास रखोगे या शीशे थोड़ा दूर रखोगे, यानी ये है कॉनकेव मिरर। इसका सर्कल ऐसे बनेगा ना, तो यानी इसमें सेंटर इस तरफ आएगा और फोकस इस तरफ आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, शीशे के सामने रखते हैं ना, तो इसमें सिर्फ दो पोजीशंस बनेंगी, या तो शीशे के सामने कहीं पर भी या फिर इन्फिनिटी पर, तो सिर्फ दो ही कंडीशंस बनती हैं। दोनों कंडीशन में जो इमेज बनेगी शीशे के पीछे ही बनेगी, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है आभासी, इसमें वर्चुअल और रियल दोनों बन रही थी, इसलिए रियल हमेशा शीशे के सामने बनती है, वर्चुअल हमेशा शीशे के पीछे बनती है, क्योंकि इसमें दोनों ही केस में वर्चुअल है तो शीशे के पीछे ही बनेंगी दोनों इमेज। और जब भी आप देख सकते हो इसमें तो साइज बराबर भी था, बड़ा साइज भी दिखाई रहा था, छोटा साइज भी दिखा रहा था इमेज, इसमें हमेशा इमेज छोटी ही बनेगी। दो ही ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन है, या तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर या इन्फिनिटी पर, दोनों केस में आप लिख सकते हो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर शीशे के पीछे बनेगी, डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया तो हमने छोटा रख दिया, और दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, उससे जब परावर्तन होता है उसकी मैंने आपको बात बताई है। कॉनकेव मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ यूज करोगे, इस शीशे को जिसके छह केसेस हैं इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं एक्चुअली, क्योंकि इस केस में इमेज बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, सबसे ज्यादा हमने कॉनकेव मिरर को यूज किया है। शेविंग ग्लास के रूप में जो शेविंग किट आती है उसमें जो मिरर यूज होता है वो यही होता है। हम क्या करते हैं, जहां पे हम शेव कर रहे हैं उसको बिल्कुल पास लेके जाते हैं, क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हो आपको सीधी इमेज देखनी है, और अगर आपने नोटिस किया हो इसके अंदर सारी उल्टी थी, रियल और इन्वर्टेड, बस पहले वाले केस में सीधी थी, तो पहला केस बनाना पड़ेगा। तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो पी और एफ के बीच में, मिरर और फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास, यानी बिल्कुल पास ले जाकर देखते हैं। तो शेविंग मिरर्स में आप ये यूज करते हो, व्हीकल की हेडलाइट होती है उसमें आप ये यूज करते हो, सर्च लाइट जो होती है जो खान वगैरह में, जो खदान में वर्कर्स काम करते हैं उनके हेलमेट पे होती है, वो यही यूज करते हैं। ऑप्थेमोलोस्कोप में जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आंख के अंदर, ईयर के अंदर देखा जाता है, उसमें यही मिरर यूज करते हैं, और सोलर कुकर में भी यही इस मिरर का इस्तेमाल होता है। रही बात कॉन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की, तो जो व्हीकल में साइड वाले मिरर होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक तो आपको छोटा दिखाई देगा, तो छोटा दिखाई देने से क्या हुआ कि पीछे का ज़्यादा व्यू आप ले सकते हो। इसके अलावा सोडियम रिफ्लेक्टर लाइट में, परावर्तक प्रकाश लाइट में भी आप
कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हो. नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन. अभी आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, लाइट टकरा के आ रही थी, अब आप पढ़ रहे हो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन. इसमें क्या होता है, उसमें तो मीडियम से टकराई और वापस चली गई, इसमें मीडियम के अंदर घुस जाती है और माध्यम के अंदर घुसने के बाद अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है. लाइट आई, टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, मुड़ गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने का, प्रकाश का मूल दिशा से विचलित हो जाना. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होती है. तो एक मीडियम में गई तो लाइट की स्पीड कुछ और थी, दूसरे मीडियम में गई तो लाइट की स्पीड कुछ और थी, इसलिए लाइट मुड़ जाती है. ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, माध्यम क्या होता है जिसमें से लाइट पास हो सके, उसको ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं. दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, दुर्लभ माध्यम, एक डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम. जो दुर्लभ होगा, रेयरर होगा, उसमें से लाइट आराम से पास हो जाएगी, उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी. जो सघन माध्यम होगा, डेंसर मीडियम होगा, उसमें से लाइट की स्पीड उसमें बहुत कम होगी, लाइट देर से पास होगी, ध्यान रखेंगे. चलो कुछ फैक्ट हैं. जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ये कोई माध्यम है, ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, लाइट आई, तो आपको जैसे रिफ्लेक्शन में आपने परावर्तन में बनाया था, नॉर्मल बनाया था, अभिलंब बनाया था, इसमें भी हम अभिलंब बनाएंगे. तो आपने अभिलंब बना दिया, नॉर्मल बना दिया. हमेशा ध्यान रखना रेयरर और डेंसर को कैसे याद रखोगे, मैंने चैप्टर में याद करा रखा है. डेंसर मतलब सघन, बहुत भीड़ भाड़ है, रेयरर मतलब दुर्लभ, बिल्कुल छीड़ है. तो अगर भीड़ में जाओगे तो पेरेंट्स अपना हाथ नहीं छोड़ेंगे आपके हाथ से, तो नॉर्मल के पास आ जाओगे. लेकिन अगर आप जा रहे हो डेंसर से रेयरर में, सघन से विरल माध्यम में, विरल कह दो या दुर्लभ कह दो, तो लाइट जब आती है, ये नॉर्मल है, तो इससे दूर चली जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम में, रेयरर मीडियम में भीड़ है ही नहीं, तो आराम से लाइट नॉर्मल से दूर चली जाती है. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, डेंसर में जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है. लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है. और अगर लाइट 90 डिग्री पर पड़ रही है तो क्या होगा, ये लर्न करना पड़ेगा. अगर 90 डिग्री पर गिर रही है तो सीधी जाएगी, मुड़ेगी ही नहीं. और ये सेम मिरर्स में भी होता है, ये सेम शीशे में भी होता है. अगर शीशे में 90 डिग्री पर लाइट आई तो 90 डिग्री पर ही वापस चली जाएगी. चलिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे, अपवर्तन के भी नियम होते हैं, और पहला नियम बिल्कुल सेम है. तीनों रेखाएं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होंगी, एक ही दिशा में होंगी, ये बिल्कुल सेम है. दूसरा फर्क है, दूसरे में क्या है मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, ये माध्यम एक, ये माध्यम दो, मीडियम वन और मीडियम टू, लाइट आई, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्ट हो गई. तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण. दूसरा नियम कहता है इन दोनों कोण का जो अनुपात होता है, इन दोनों के साइन का अनुपात, साइन आई अपॉन साइन आर, हमेशा कांस्टेंट होगा. इसका अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मतलब बताऊं, दूसरे नियम को स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है. तो स्नेल ने क्या बताया था कि एक माध्यम लाइट को कितना मोड़ सकता है. जैसे यहाँ मीडियम वन था या मीडियम टू था, तो मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट गई, तो टू ने क्या करा, लाइट को मोड़ दिया. स्नेल ने शॉर्ट वर्ड्स में, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में ये बताया कि एक मीडियम लाइट को कितना मोड़ सकता है, वो फिक्स है. कैसे पता लगाओगे, इन दोनों एंगल्स के साइन का रेशियो ले लो. इसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो कांस्टेंट है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. अपवर्तनांक बोला जाता है कि कितना अपवर्तन हो सकता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. तो स्नेल का नियम है आपतन कोण के जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है. और इसी स्थिरांक को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको आप अपवर्तनांक कहा जाता है. ये दो तरीके का होता है अपवर्तनांक, या तो लाइट हमेशा
हवा से किसी माध्यम में जाएगी या हवा को छोड़ के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं माध्यम देखते हैं किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। अगर हवा या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, हवा या निर्यात से जा रही है किसी मीडियम में, तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन अगर हवा और वैक्यूम को छोड़ के किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, जो अपवर्तन होता है, जो लाइट मुड़ जाती है, इसके कारण हम क्या क्या चीज़ें अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला, अगर कोई स्टिक पानी में डूबी हुई है तो वो झुकी हुई दिखाई देती है। अगर आपने तिरछी डाली है तो वो आपको बीच में से कटी हुई और झुकी हुई दिखाई देगी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, कभी ज़्यादा चमक रहे हैं कभी कम चमक रहे हैं, वो अपवर्तन की वजह से। लेकिन कौन से अपवर्तन की वजह से? वो हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। अब आप कहोगे रिफ्रैक्शन तब होता है जब मीडियम चेंज हो, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में तो सिर्फ हवा है। फिर असल में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हवा सारी एक तरीके की नहीं है, उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व अलग अलग है, तो इसलिए लाइट को लगता है कि अलग अलग मीडियम है। तो ये होता है एटमॉस्फेयरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन कौन से वाला? एटमॉस्फेयर में जो होता है। ओवल शेप ऑफ सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, जो सुबह और शाम में सूर्य का अंडाकार आकार दिखाई देता है, वो भी एटमॉस्फेयरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर रखा हुआ है वो हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा, पानी में रखी हुई वस्तु का उठी हुई प्रतीत होना, वो इसकी वजह से। स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई देता है पर असली में वो ज़्यादा गहरा दिखाई देता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से। और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, आपको बता दूँ 4 मिनट दिन लंबा होता है डेली, सूरज अभी उगा नहीं होता है पर 2 मिनट पहले से हमको दिखाई देने लग जाता है, सूरज अस्त नहीं होता 2 मिनट बाद तक, अस्त हमको अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। 4 मिनट का फर्क पड़ता है, वो भी किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए, अभी जैसे मैंने बताया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा जब लाइट एक माध्यम से, एक मीडियम से जाएगी दूसरे मीडियम में, लेकिन दोनों में से कोई भी मीडियम एयर और वैक्यूम, हवा और निर्वात नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जब एयर या वैक्यूम में से दूसरे मीडियम में जाए, यानी एक मीडियम फिक्स कर दिया, एयर और वैक्यूम। प्रकाश का वायु या निर्वात से दूसरे माध्यम में जाना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्रिटिकल एंगल, देखो होता क्या है, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो आपको पता है नॉर्मल से दूर चली जाती है ना, अभिलंब से दूर चली जाती है। तो कई बार इसमें एंगल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इसमें कितनी दूर जाएगी, मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो यहाँ पे 100 डिग्री का है, तो यहाँ 100 से तो ज़्यादा ही होगा ना, नॉर्मल से दूर जाना है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि नीचे वाला एंगल और बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर बड़ा होगा, मतलब देखो ये नॉर्मल से बड़ा करना है, तो बड़े होने की बजाय इतना बड़ा करना है, तो अपवर्तन होने की बजाय परावर्तन हो जाता है। मतलब आप ऐसे देख सकते हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये कोई आपतित कोण था, ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो रिफ्रैक्शन एंगल बड़ा हो गया। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बड़ा हो गया। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूंगी तो अब तो और बड़ा हो ही नहीं सकता ना, ये बड़ा अगर होना होगा वापस निकल जाएगा। तो ऐसे एंगल को, जिसमें ऐसे एंगल को, इस फिनोमिना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि इसमें हुआ क्या है, मीडियम चेंज है, माध्यम बदला है, लेकिन तब भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, उसके बजाय क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। लेकिन इनसे बीच में एक स्टेज आती है, स्टेज क्या आती है, मान लो ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, 3 आपतित कोण है। मैंने क्या करा, I2 और I3 के बीच में कोई एंगल लिया, मैंने आपको बोला ये आगे और बढ़ेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि बाहर निकलने वाली स्टेज होती है, वो इसी लाइन पे रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी बिल्कुल 90 डिग्री पर लाइट
चली गई, ये बिल्कुल लास्ट केस है जब रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, अपवर्तन ही हो रहा है। अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल बड़ा करूंगी तो बाहर निकल जाएगी लाइट। सघन माध्यम में बना हुआ वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि जब भी एंगल को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दोगे तो लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट अपवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाएगी। उसी को आप क्या बोलते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। डेंसर से रेयर में भी जानी चाहिए और क्रिटिकल एंगल भी बड़ा होना चाहिए, इंसिडेंस एंगल भी बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम, इट इज नोन एज TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़ सकते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश अपवर्तन के बजाय सघन माध्यम में पूरी तरह वापस परावर्तित हो जाती है। इसी को TIR के नाम से जाना जाता है। अगर TIR कराना है तो उसके कुछ कंडीशन है, अभी बता चुकी हूँ। एक तो लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर, सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दैट मीडियम। इसके इलस्ट्रेशंस, इसके उदाहरण क्या है, डायमंड चमकता रहता है, हीरा चमकता रहता है, इसी के कारण मिराज बनता है। जो रेगिस्तान में कहा जाता है लोग पागल हो जाते हैं, उनको पानी दिखाई देने लगता है, पानी उनको नहीं दिखाई देता, उनको आसमान की इमेज दिखाई देती है, वो इसी वजह से दिखाई देती है। और शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, पानी में जो बुलबुले चमकने लगते हैं वो इसी की वजह से। जैसे आपने मिरर पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस। देखिए लेंस होता क्या है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल उल्टे हैं पर मिरर से। मिरर में कॉनकेव मिरर में 6 केस थे, इधर कॉन्वेक्स में 6 केस है। उधर कॉन्वेक्स में 2 केस थे, इधर कॉनकेव में 2 केस है। इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारी रोशनी एक पॉइंट, एक केंद्र बिंदु पे कन्वर्ज होती है, अभिसार होती है। कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। मैंने ये प्रॉपर चैप्टर में ट्रिक्स से लर्न करा रखा है, तो आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, पर मैं ये समझाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत लंबी है, तो आप एक बार चैप्टर ज़रूर देख लेना। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट को फैला देता है। ये कॉन्वेक्स है, उत्तल, और ये अवतल। आप देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, सबको एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है और ये फैला रहा है। इसमें वही 6 केस वाली सेम बिल्कुल वही इमेज है जो आपने पहले बनाई थी। सबसे पहले ओ और एफ के बीच में इसको छोड़ देंगे, बाकी आप देख सकते हो इनका रिलेशन सेम वैसे ही है, फोकस का इन्फिनिटी के साथ, एफ और 2F का 2F के पीछे और 2F का 2F के साथ ही। उसमें जैसे सेंटर था, इसमें सेंटर की बजाय हम यूज़ करते हैं 2F, बाकी सब कुछ सेम है। तो सेम वही, इक्वल साइज से पहले सब मैग्नीफाइड, उसके नीचे डिमिनिश, पहला है आभासी, बाकी सब रियल यानी वास्तविक। तो ये बिल्कुल सेम, इसमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस ये ध्यान रखेंगे कि मिरर्स में कॉनकेव के लिए था, लेंस में कॉन्वेक्स के लिए है। इसमें जैसे उधर कॉन्वेक्स में उत्तल में 2 केस थे, इसमें इधर कॉनकेव में 2 केस हैं, यानी अवतल में 2 केस हैं। वही सेम लेंस के आगे कहीं भी रख दिया और इन्फिनिटी पर रख दिया, दोनों केस में जो लेंस है उसके सामने इमेज बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। आपको एक बात और बता दूं, जैसे जब आपने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, दर्पण के बारे में पढ़ा था, तो उसमें रियल इमेज बन रही थी। जब अगर मैं बात करूं मिरर्स की, मान लो ये मिरर है, एक्स वाई मिरर है, अगर इमेज बन रही है मिरर के सामने तो यह रियल इमेज, पीछे बन रही है तो वर्चुअल इमेज। लेकिन लेंसेज में बस यही चीज़ उल्टी है। अगर ये लेंस है एक्स वाई, तो लेंस के सामने अगर बन रही है तो ये है आपकी वर्चुअल, लेंस के पीछे अगर बन रही है तो रियल। तो दोनों के बिल्कुल सेम है मिरर्स के जैसे, बस ये थोड़ी सी चीज़ ऑपोजिट है, ध्यान रखेंगे। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता,
आपको ये पता है हमारी आंखों में जब कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम चश्मा यूज़ करते हैं, तो चश्मे में लेंस डलते हैं, उनकी कुछ पावर होती है। हमारी आंखों में जो लेंस होता है ना, हमारी आंखों में लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। तो होता क्या है, अगर किसी भी कारण की वजह से इसकी पावर कम या ज़्यादा हो जाए तो हमें बाहर से लेंस लगाना पड़ता है ताकि इसकी पावर को हम एडजस्ट कर सकें। तो कोई लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना जोड़ और कितना फैला सकता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेस, प्रकाश किरणों के विचलन या अभिसरण की डिग्री का माप। दूसरी चीज, पावर हमेशा फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम मीटर में होती है। और इसके अलावा इसके एसआई मात्रा के डायोप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। आपने अगर आईज टेस्ट कराई है तो उस पर लिखा होता है कितने डायोप्टर, डी लिखा होता है, तो वो डायोप्टर के लिए ही लिखा होता है। एक और चीज़, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव यानी अवतल लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है। इसके अलावा अगर आपने दो लेंस हटाकर रख दिए, एक लेंस ये रहा, दूसरा लेंस ये रहा, तीसरा लेंस ये रहा, और मैं आपसे बोलूँ टोटल पावर बताओ, तो कुछ नहीं करना है आपको, इन सब की पावर को जोड़ना है। यदि लेंसों को सटाकर रख दे तो उनकी क्षमताएं व्यक्तिगत क्षमताएं के योग के बराबर होती है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, देखो एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप व्हाइट लाइट को कोई भी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम में से पास करोगे, स्पेशली कांच के किसी चीज़ में से पास करोगे, जैसे प्रिज्म से पास कर दिया, तो वो सात रंग में टूट जाती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। इसी को बोला जाता है विक्षेपन। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म, पारदर्शी माध्यम में से श्वेत प्रकाश का विभाजित होना। इस पूरे ये जो बने हैं ना, अगर मैं ये सात के सात कलर यहाँ पे एक स्क्रीन पे निकाल लूँ, इस स्क्रीन को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो इसको वर्णक्रम बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और आपको एक और बात बता दूँ, जब भी ऐसा होगा तो आप देख सकते हैं जो लाइट यहाँ से रेड कलर की, देखो ऊपर रेड है नीचे वॉयलेट है, तो रेड लाइट सबसे कम मुड़ती है और वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा मुड़ती है। रेड लाइट ऐसा लग रहा है सीधी जा रही है, वॉयलेट लाइट हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे रेड लाइट के लिए जो लाल रोशनी है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, और बैंगनी का सबसे ज़्यादा डेविएशन है, बैंगनी सबसे ज़्यादा मुड़ेगी और लाल सबसे कम मुड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं रेनबो की, इंद्रधनुष की। तो आप देख रहे हो रेनबो में क्या होता है, सात रंग दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब वाइट लाइट यानी सूरज की रोशनी टूटी है, पर प्रिज्म तो है ही नहीं, कहाँ से टूटी है। तो ये जो इंद्रधनुष है हमेशा तब दिखता है जब सूरज की रोशनी हो और साथ में पानी की बूंदें हो, बारिश हो, क्योंकि पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। तो जब होगा क्या, सन की लाइट रेन ड्रॉप में जाएगी, डिस्पर्जन हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा, सात रंग दिखाई देंगे, उसको रेनबो बोलते हैं। हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, और कंडीशंस हैं दो, सूरज की रोशनी होनी चाहिए और बारिश की बूंदे या बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं ये भी होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो स्कैटरिंग होती है इट इज़ मैक्सिमम फॉर वॉयलेट लाइट एंड मिनिमम फॉर रेड कलर, मतलब जब जो लाइट फैलती है वो सबसे ज़्यादा जो फैलती है वो वॉयलेट कलर फैलता है, यानी ब्लू रीजन वाला जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा फैलता है, दूर तक पहुँचता है। आपने देखा भी होगा जो आसमान है, जो स्काई है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, जबकि वाइट लाइट जो सनलाइट है वो सेवन के सेवन कलर्स दिखाती है। लेकिन आपको ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर यानी वॉयलेट रीजन जो है सबसे ज़्यादा दूर तक फैल सकता है और रेड रीजन सबसे मिनिमम फैलता है। बैंगनी रंग के लिए प्रकीर्णन अधिकतम और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। इसके अलावा ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग, जस्ट मैंने अभी बताया प्रकीर्णन के कारण होता है। सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के टाइम पे ही लाल रंग का दिखाई देता है, पिंकिश कलर का दिखाई देता है, वो भी स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि जब सनराइज और सनसेट होता है सबसे पास होता है सन, इतना कम डिस्टेंस पे होता है कि उस टाइम पे जो कम रंग फैलते हैं सिर्फ वही दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं, सॉरी ये उल्टा बताया, सनराइज और सनसेट के टाइम पे सबसे दूर पोजिशन पे होता है सन, सबसे दूर, तो इस वजह से जो फैल सकते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, तो जो हमको दिखता है वो बिल्कुल पास वाला
कलर जो बिल्कुल पास में रहता है, रेड रीजन दिखाई देता है। इसके अलावा ये पूरा कंसेप्ट डायग्राम के साथ मैंने आपको समझा रखा है चैप्टर के अंदर। इसके बाद अब हम बात करते हैं ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र की। जैसा मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, हमारी आँख के अंदर उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस हमेशा कैसी फॉर्म बनाएगा? रियल इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी। दो तरीके के सेल होते हैं, दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं हमारे आँख के अंदर। सबसे पहले हैं रोड्स, तो रोड्स, और दूसरे हैं कोन्स। तो रोड और कोन, छड़ और शंकु, दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। देखिए कोन्स सी से शुरू है, तो कोन्स मदद करेंगे आपकी कलर्स देखने के लिए। तो शंकु रंगों पर प्रतिक्रिया करते हैं और छड़े रंग की प्रकाश की तीव्रता पे। मतलब रोड्स दिखाते हैं इंटेंसिटी, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगी, कौन सी चीज़ डल दिखाई देगी। तो कोन्स कलर्स और रोड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। के अलावा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना पास से पास रखोगे कि वो दिख जाए, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से पास रखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं पाओगे, बट इतना स्ट्रेस पड़ेगा कि आपकी आँखें खराब हो सकती हैं, प्लस आपका जो लेंस है उसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आईज है पूरी, आप ह्यूमन आई देख सकते हो। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो बाहर मुड़ा हुआ है इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये रेटिना है जहाँ पे इमेज बनती है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये रेटिना है। इसके अलावा डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, मानव आँख के दोष। जैसे आपको पता है कि हम चश्मा यूज़ करते हैं जब हमारी आई साइट वीक हो जाती है, तो हम आई साइट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि यानी निकट देख सकते हो, दूर का नहीं देख सकते। मायोपिया वो है जिसमें आप दूर का नहीं देख सकते हो, पास के ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, यानी शॉर्ट को साइट कर सकते हो, यानी पास वाली चीज को देख सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। इसके कारण क्या है? कारण है ये जो आई बॉल है, ये जो आपका आँख है, इसका साइज बढ़ गया। तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल यानी नेत्र गोलक का बढ़ाव, या फिर फोकल लेंथ घट गई, फोकस दूरी घट जाती है। इसका निवारण होता है जब आप अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हो। और नॉर्मली आपको बता दूं, जो 40 साल से कम उम्र के होते हैं उनमें यही दिक्कत होती है। 40 साल से ज़्यादा है तो दूर और पास दोनों की हो सकती है, पर 40 साल से कम वालों की, ज़्यादातर लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है। यानी जो हम तैयारी कर रहे हैं, हम सबको अगर होगा, मैक्सिमम चांसेस है हम लोगों को मायोपिया होगा अगर हम स्पेक्स यूज करते हैं तो। ये देखिए मायोपिक आई थी, हमने क्या किया इसको करेक्शन के लिए, के यहीं पर मिल गई लाइट रेज, यहां पर मिल गई तो इमेज यहां बन गई, जबकि इमेज यहां बननी चाहिए। तो इमेज पहले ही बन जाती है, आई बॉल का साइज इतना बड़ा हो गया, नेत्र गोलक का साइज इतना बड़ा हो गया कि इमेज पहले ही बन गई। हम इसको यूज करते हैं मायोपिया से, वो कॉनकेव लेंस से। तो हमने क्या यूज किया है? कॉनकेव लेंस। इसका बिल्कुल उल्टा होता है, देखो कॉनकेव लेंस से इमेज वहीं बन रही है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। इसको फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप दूर का देख सकते हो, पास का नहीं देख सकते। दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है पर पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। इसके कॉजेज भी पहले वाले से उल्टे होंगे, पहले वाले में आई बॉल बड़ा हो गया था, इसमें छोटा हो जाएगा। पहले वाले में फोकल लेंथ कम हो गई थी, इसमें बढ़ जाएगी। इसका रेमेडी, इसका निवारण क्या है? उल्टा। उधर कॉनकेव लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, इधर कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस इस्तेमाल कर रहे थे। आप देख सकते हो ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, यानी ये निकट, ये दूरदृष्टि दोष की ग्रसित एक आँख है। तो इसमें जो रेज मिल रही हैं वो बाहर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही है, आँख पे यहाँ बननी चाहिए पर यहाँ मिल रही हैं। तो आपने क्या किया? एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया, उत्तल लेंस यूज कर लिया, इमेज एग्जैक्टली वहीं बन रही। तीसरा है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। ये किस कारण होता है? जब एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो आँख है वो एक फिक्स पोजीशन ले लेती है, क्योंकि उसकी जो नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इस वजह से हम पास का नहीं देख पाते, यानी हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। लेकिन वो जो पहले वाले आपने हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया पढ़ा, वो हमारे खाने पीने की वजह से या हम स्ट्रेस ले रहे हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, उनकी वजह से होता है।
प्रेसबायोपिया होता है ओल्ड एज की वजह से, कि हम बूढ़े होने पे हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं और पास का नहीं देख पाते आई लेंस, इसलिए इसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। बूढ़ी अवस्था का दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। वृद्धावस्था में होता है, इसमें क्या होगा, जो मसल्स हैं हमारी आंख की जो देखने में मदद करती हैं उनको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी आंख अपने लेंस को बार बार चेंज करने की एबिलिटी खो देगा, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, और इस वजह से ना पास का दिखाई देगा ज़्यादा अच्छा, ना दूर का दिखाई देगा। इस रोग का निवारण करने के लिए बाईफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं। बाईफोकल लेंस में क्या होगा, जो चश्मा होगा उसमें नीचे वाला पोर्शन होगा कॉनवेक्स का हाइपरमेट्रोपिया के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए, और ऊपर वाले सारे रीजन में होगा कॉनकेव मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म क्या है, ये मिस हो चुका है, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, आपकी सिलेंड्रिकल पावर होती है, यानी ये जो शेप है ये गोल होने की बजाय, सर्कल होने की बजाय शेप बिगड़ जाती है, और आप एक ही डायरेक्शन में अगर चीज़ें लगी हुई हैं वो आपको सेम डायरेक्शन में नहीं दिखाई देती, तो उसको सिलेंड्रिकल पावर बोलते हैं, एस्टिगमेटिज्म बोलते हैं। ये रहा एस्टिगमेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस। चलिए आगे हम बात करते हैं कुलाम्स लॉ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था। बस ये फर्क इतना है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, वो किन्हीं भी दो बॉडीज पे लगता है, और ये दो चार्ज दो आवेशों पर लगता है। ये मान लीजिए पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में या तो ये अट्रैक्ट करेंगे, जैसे आपने सुना होगा सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर बिल्कुल अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और बिल्कुल सिमिलर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो सेम जैसे आपने उधर पढ़ा था, इनके आवेशों के गुणनफल के व्युत समानुपाती होगी, और इनके बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होगी। The force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to product of charges, यानी उनके मात्राओं के गुणनफल, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, और inversely proportional to the square of distance between them, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है, देखिए अगर आपको करंट कहीं पे से पास करना है तो उसके लिए आपको वहां पे आवेश को लाना पड़ेगा। तो जितना काम कोई भी बिंदु कोई भी जगह किसी आवेश को किसी चार्ज को, आपको अगर करंट पास करना है चार्ज लाना पड़ेगा, तो आप जितना काम कर सकते हो इन्फिनिटी पर रखे हुए चार्ज को अपने पास लाने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ऐसा ही मात्रक वोल्ट, वोल्टेज जो हम कहते हैं घर में, वो यही होता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो अभी आपने क्या कहा, इन्फिनिटी से अपने पास ला रहे थे, डिफरेंस यानी अंतर होता है दो बिंदुओं के बीच। तो अगर एक बिंदु है ये, एक बिंदु है ये कितना काम कर सकता है 10 जूल, ये कितना काम कर सकता है 15 जूल। ये इन्फिनिटी से अनंत से अपने आप के पास चार्ज लाने में 10 जूल का काम कर सकता है, 15 जूल का काम कर सकता है। तो अब जो चार्ज यहाँ पे होगा वो एकदम से इसकी तरफ भागेगा, क्योंकि उनको दिखेगा कि 5 जूल का फायदा है। इसको बोलते हैं वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे घर में जो सॉकेट होता है, हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, मतलब ये दो हैं यहाँ पे 0 वोल्ट, ये 0 जूल का काम करता है यानी ये कोई काम नहीं कर सकता, और यहाँ पे 220 जूल काम कर सकता है। तो जितने भी चार्जेस हैं वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भाग जाते हैं, और इस रास्ते में हम फैन लाइट लगा देते हैं, तो जैसे चार्ज जाएंगे इधर से इधर वो अप्लायंसेस जल जाएंगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसमें दो पॉइंट आ गए, डेफिनेशन सेम है। ऐसा यूनिट, इसकी भी वोल्ट होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना काम कर सकते हो कितने चार्ज को मूव करने में, कितना काम कर सकते हो चार्जेस को मूव करने में, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसके अलावा बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। देखो जब भी करंट की बात होगी तो आप दिमाग में एक चीज रखोगे कि चार्ज मूव कर रहे हैं, आवेश मूव कर रहे हैं।
आवेश के प्रवाह की दर, यानी कितना चार्ज मूव कर रहा है कितने टाइम में, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो आवेश के प्रवाह की दर या प्रति समय, प्रति इकाई समय अंतराल में प्रवाह की आवेश की दर, यूनिट टाइम में कितना चार्ज मूव कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इंटरवल। और हमेशा मैं आपको बता दूं करंट की डायरेक्शन, जैसे आपको पता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी, इसको याद रखेंगे। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर होती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अदिश राशि है और I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि बताओ कूलाम अपॉन टाइम अपॉन सेकेंड ये यूनिट किसकी है, तो कूलाम आपको पता होना चाहिए चार्ज है, टाइम सेकेंड है, सेकेंड टाइम है, तो क्यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, करंट का, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देखो जब भी कोई कंडक्टर यानी जिसमें से करंट पास हो सकता है, चालक, कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो करंट को अपने अंदर पास होने से रोकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रॉपर्टी बाय विच अ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, वह गुण जिससे चालक अपने में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका ऐसा ही मात्रक है ओम, ये सिंबल होता है। इसके अलावा जो प्रतिरोध है, आपको मैं बता दूं, जितना लंबा वायर होगा, जितना लंबा कोई भी चालक होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लंबाई के, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्यों? अगर ये एरिया है और एक ये एरिया है, एक पतला वायर है एक मोटा वायर है, तो मूव करने में आसानी कहाँ होगी, हिलने डुलने में आसानी कहाँ होगी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा एरिया है। आसानी का मतलब क्या है कि आराम से करंट पास हो जाएगा, जबकि इसका मतलब है करंट को रोकना। तो जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रुकावट, तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ, देखो ओम नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, उन्होंने ये बताया था, ये आप देख भी चुके हो यहाँ पे, जैसे मैं अभी आपको ये बता रही थी कि जब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है वो देखेगा कि यहाँ तक जाने में 5 जूल का फर्क दिख रहा है, तो फटाफट मूव करता हुआ जाएगा कि मुझे 5 जूल का फायदा मिलेगा। यही है ओम्स लॉ कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा विभवांतर होगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। बस जितना अंतर उनको दिखेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विभव अंतर करंट के, विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ये हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट नियतांक लगता है, आपको बता चुकी हूँ। तो V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जो जस्ट आपने अभी पढ़ा। आमीटर, करंट को नापने के लिए कि किस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसके लिए डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा सीरीज में जुड़ता है यानी श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो आमीटर श्रेणी में एक के बाद एक जुड़ता है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। इसके अलावा अगर कोई आइडियल आमीटर है, एक आदर्श आमीटर है, उसके अंदर रुकावट होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि उसको करंट मेजर करना है, तो आइडियल आमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। वोल्टमीटर की बात करूं तो वोल्टमीटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को नापने के काम आता है, विभवांतर को नापने के काम आता है, और ये जुड़ता है पैरेलल में। पैरेलल का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमेशा समानांतर क्रम में लगाया जाता है, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, अनंत होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को रोकना, तो वोल्टमीटर का तो करंट से लेना देना ही नहीं है ना, इसको तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को नापना है, तो इसको जब करंट को नापना ही नहीं है तो इसको करंट को रोक देना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होना चाहिए। तो आइडियल यानी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य, ये है अनंत। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबक के आसपास का जितना एरिया, जितना क्षेत्रफल जहाँ पे वो अपना बल लगा सकती है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। रीजन इन स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेट हैज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र जहाँ चुंबक का चुंबकीय प्रभाव होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, देखिए जब आसपास का जो एरिया है ना, जो क्षेत्र है, हम क्या करते हैं,
उसमें मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स को, चुंबकीय बल को दिखाने के लिए हम लाइनें ड्रॉ कर देते हैं. इन लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं. आप देख सकते हो मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं. ये क्लोज कर्व्स हैं. क्लोज कर्व्स का मतलब ये बिल्कुल बंद चक्र होते हैं. क्यों, आप खुद सोचिए ना, ये अगर नॉर्थ है और ये साउथ है तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज कर्व्स हो गए. मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती. आप देख लो कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं. अगर कहीं पर बहुत सारी लाइंस हैं, इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड, यदि चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल हों, बहुत सारी एक जगह इकट्ठी हो रही हों, तो इसका मतलब वहां पे फील्ड बहुत स्ट्रांग है. और अगर कहीं पे दूर दूर हो, मतलब वहां पे फील्ड बहुत वीक है, वहां पे चुंबक बहुत कम बल लगाएगी. इसके अलावा सॉफ्ट आयरन कोर लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर करंट इज स्विच्ड ऑफ. ये फैक्ट्स हैं. हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, विद्युत चुंबक बनाते हैं. वो ऐसी चुंबक होती है जो सिर्फ बिजली से चलेगी. बिजली पास करोगे वो चुंबक बन जाएगा, बिजली बंद करोगे वो चुंबक का काम नहीं करेगी. तो वो कैसे बनाई जाती है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लो, यानी एक शीतल लोहा लो, उसके ऊपर तार लपेट दो. ये होती है सॉफ्ट आयरन, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लेते हैं कोर, इसके अंदर का जो मटेरियल है हम सॉफ्ट आयरन शीतल लोहे का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या तो स्टील यूज़ कर सकते हो या सॉफ्ट आयरन. स्टील के साथ क्या है कि अगर आपने यूज़ कर लिया तो जैसे करंट ऑन करोगे वो मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन करंट बंद करने पे वो वापस नॉर्मल चीज़ नहीं बनेगी, वो मैग्नेट जिंदगी भर मैग्नेट ही रहेगा. सॉफ्ट आयरन कोर के साथ क्या है कि जैसे करंट ऑन करोगे मैग्नेट, जैसे करंट बंद करोगे वो वापस से सॉफ्ट आयरन, आप कहीं और इसको यूज़ कर सकते हो. तो सॉफ्ट आयरन कोर करंट के बंद होते ही सारा चुंबकत्व खत्म कर देती है, खो देती है. इसके अलावा स्टील करंट के बंद होने पे अपना मैग्नेटिज्म नहीं खोती और एक परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, एक स्थायी चुंबक बन जाती है. इसके बाद हम बात करते हैं एटम की. आपको पता है मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी चीज़, जैसे मैं बोल रही हूँ उसके कण, इसके अणु, किसी भी चीज़ जो बनी होती है वो सबसे छोटा पार्टिकल उसका एटम कहलाता है. रिएक्शन अगर हो रही है तो कोई सब्सटेंस पूरा का पूरा रिएक्शन नहीं कर रहा, उसके एटम्स, उसके जो परमाणु होते हैं वो रिएक्शन कर रहे हैं. तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वे सूक्ष्मतम कौन जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं. इनके अंदर तीन चीज़ें ही होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर रहते हैं और गोल गोल घूमते रहते हैं. आप देख सकते हैं ये नाभिक है, तो इसमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेंगे न्यूट्रॉन्स और एक मिलेंगे प्रोटॉन्स, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके अलावा इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर. हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे उन पे होता है धनात्मक आवेश. इसी कारण अगर मैं बात करूँ कार्बन की, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में समझा चुकी हूँ इनके नंबर. कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन, तो -6 + 6 यानी आपका 0. तो टोटल जो आवेश होगा कोई भी एटम का, टोटल चार्ज 0 होगा, न्यूट्रल होता है. इसके अलावा आप देख सकते हैं तीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पे मैंने जैसे बोला कि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, पर इक्वल चार्ज होता है दोनों पर, दोनों पर इक्वल आवेश होगा. प्रोटॉन पे प्लस के 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजिट है, कई बार पेपर में आ चुका है. इलेक्ट्रॉन पे भी सेम इतना ही चार्ज होगा, बट ये नेगेटिव में होगा. डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने. इसके अलावा कई बार आ जाता है ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन याद रखेंगे. न्यूट्रॉन की चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने. इसको याद करने का तरीका है ईट पर नाच, ईट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने, पर या फिर पे
प्रोटोन की रदरफोर्ड ने, या ई से आएगा तो ई गोल्डस्टीन, नाच न्यूट्रॉन की चैडविक ने, तो ये डिस्कवरी की है, आप लर्न रखेंगे। रेडियो एक्टिविटी, देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो नाभिक है ना, ये इतना भारी होता है कि ये अनस्टेबल अस्थिर रहता है और अपने अंदर से कुछ ना कुछ किरणें निकालता रहता है और वो किरणें बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत हार्मफुल होती हैं। तो इस ऐसे एटम को, ऐसे परमाणु को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एटम। सेंडिंग आउट ऑफ हार्मफुल रेडिएशन व्हेन एटॉमिक न्यूक्लियाई ब्रेकअप स्पॉन्टेनियसली, जब किसी भी परमाणु का नाभिक एकदम से टूट जाए क्योंकि वो अस्थिर था, तो उसके अंदर से किरणें निकलती हैं और इसी को रेडियोधर्मिता या रेडियो सक्रियता कहते हैं। सबसे पहले ये डिस्कवर की है हेनरी बेकरेल ने, इम्पोर्टेंट है, उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ, जो इनके हस्बैंड थे, और इन्होंने रेडियम की खोज की थी। रेडियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है, एक रेडियोधर्मिक तत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ये न्यूक्लियस नहीं है, एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई भी एटम था एक्स, किसी का भी सिंबल था, नीचे लिखा जाता है इसका नंबर। हर एटम का एक नंबर होता है, हर परमाणु का एक नंबर होता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो नीचे लिखा जाता है नंबर और ऊपर लिखा जाता है इसका मास, यानी इसका द्रव्यमान। तो ये हो गया, जहाँ पर जेड क्या है, नंबर है, ये बराबर होता है प्रोटॉन्स के या इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो। ये होता है मास, ये न्यूक्लियस का मास नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में क्या मिलेंगी, सिर्फ दो ही चीज़ें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एक ऐसे निकालोगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके, आप देख सकते हो न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय ये, वेयर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो प्रोटॉन के बराबर होती है, और ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो यहां से अगर आपसे पूछ ले न्यूट्रॉन निकालो, आप कैसे निकालोगे? ये प्रोटॉन प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा, यानी अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं, आप उसके द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर सकते। न्यूक्लियर फिजन, देखिए परमाणु विखंडन, अगर एक बहुत भारी नाभिक है वो टूट रहा है छोटे छोटे नाभिकों में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इसकी जस्ट उल्टा है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें हल्के हल्के नाभिक जुड़ जाते हैं एक भारी न्यूक्लियस बनाने में। वो हमने अर्थ पे ट्राई नहीं करा क्योंकि वो इतनी अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हर जगह डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, सब विनाश, जो बोलते हैं कि सब खत्म हो जाएगा विद इन 2 or 3 hours। सन पे आज तक जो इतनी हीट दे रहा है सन, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हो रहा है, जो हम ट्राई भी नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 nuclei ऑफ 2 nearly equal mass। एक भारी नाभिक लगभग 2 समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभाजित हो जाता है और जो एनर्जी निकलती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले स्ट्रेसमैन और ओ आहन ने इसको दर्शाया था, स्ट्रेसमैन और ओ आहन। एटम बम जो बनाया जाता है वो इसी रिएक्शन के ऊपर बनाया जाता है, और उसमें जो आप फ्यूल यूज करते हो, ईंधन यूज करते हो, वो यूरेनियम या प्लूटोनियम यूज किया जाता है। तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 आप यूज करते हो। इसके अलावा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन को कंट्रोल करते हो, ये रिएक्शन जो होती है ना न्यूक्लियर फिजन, ये भी कंट्रोल नहीं होती, अगर ये अपने आप से हो रही है कंट्रोल नहीं होती, हमको कंट्रोल करनी पड़ती है, तभी हम इसको ट्राई कर चुके हैं क्योंकि हम इसको कंट्रोल करने के काबिल हैं। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होता है, ये बिना धमाके के साथ होती है, आराम आराम से होती है, और जो एनर्जी निकलती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और असल में होता क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं, इसके अंदर जो भारी नाभिक होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है, उस पर न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन होता है वो हम गेरते हैं, वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और न्यूट्रॉन बनते हैं। वो न्यूट्रॉन दोबारा से ईंधन पे पड़ेंगे क्योंकि फ्यूल तो बहुत सारा है, तो ये रिएक्शन चलती रहती है। तो अगर हमको कंट्रोल करना है, हम दो काम कर सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है एक्स्ट्रा, उनको एब्जॉर्ब कर लो, उनको अवशोषित कर लो बीच में, तो रिएक्शन कंट्रोल्ड हो जाएगी। तो एनर्जी भी कंट्रोल कर सकते हैं और एक ही न्यूट्रॉन को अलाउ करेंगे कि आगे जाए, बाकी न्यूट्रॉन को रोक देंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल, जहाँ पे
ये रिएक्शन होती है जहाँ पे हम बिजली बनाते हैं, इस रिएक्शन से उसे न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक पाइल के नाम से जाना जाता है। हम क्या ईंधन यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो यूरेनियम 235 या 239। मॉडरेटर, मंदक, जो आपको मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को बरसाते हैं, तो न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी पड़ती है, तो मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं जो न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा को कम करता है। जनरली पानी और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कंट्रोल रोड्स, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोल रोड्स हम यूज़ करते हैं, नियंत्रण छड़ जिनको बोलते हैं, कैडमियम या बोरोन की इस्तेमाल की जाती हैं। कूलेंट यानी जो एनर्जी है उसे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो भारी पानी D2O, नॉर्मल वाटर H2O होता है, ये होता है हैवी वाटर D2O, जैसा दिल्ली वगैरह का पानी होता है बहुत हैवी वाटर है, तो D2O का इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये मैं बता चुकी हूँ, सन के अंदर यही रिएक्शन होती है, इसीलिए आज तक इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, पर हम इसको अपने अर्थ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि इसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होगा वो उतना टेम्परेचर सिर्फ एक तरीके से आ सकता है, उतना ऐसे आ सकता है कि पहले आप न्यूक्लियर फिजन कराओ, विखंडन कराओ, विखंडन कराते ही जितनी एनर्जी बनेगी उसके बाद उस एनर्जी से आप ये कराओ, तो मतलब दो रिएक्शन एक साथ होगी, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। टू और मोर लाइट न्यूक्लियर कंबाइंड टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, हल्के हल्के नाभिक मिलाते हैं एक भारी नाभिक और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। एनर्जी रिलीज बाय सन एंड अदर स्टार्स इज बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, सन के अंदर स्टार के अंदर जो रिएक्शन होती है वो यही होती है। फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^8 केल्विन, इतना लगभग इतना केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो आज तक बना हुआ है बट प्रैक्टिकल हमने कभी टेस्ट नहीं किया, हमने इन द सेंस वर्ल्ड में किसी ने भी, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन ने बताया था कि जो संरक्षण के नियम है, कंजर्वेशन लॉज जो हैं, वो यही बताते हैं कि एनर्जी है ना ख़त्म हो सकती है ना बन सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। मोमेंटम का आपने संवेग का कंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसमें भी सेम, मास का आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में उसमें भी सेम है कि द्रव्यमान यानी मास ना तो बन सकता है ना ख़त्म हो सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। ये नियम आया जिसने ये बताया कि एनर्जी और मास को आपस में चेंज कर सकते हो, आइंस्टीन ने बताया। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर आधारित है, इन्होंने बताया मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, और फॉर्मूला बताया E=mc², जहाँ पे E क्या है एनर्जी यानी ऊर्जा, M क्या है मास यानी द्रव्यमान, और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी प्रकाश का वेग, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज ये था फिजिक्स का क्रैश कोर्स, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और वेटेज बढ़ चुका है, तो मैंने आपको ये समझा दिए हैं। SSC के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, ऐप पर जो कोर्स है वो कॉम्बो कोर्स लॉन्च हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, बैच में एनरोल करना है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और बैच में एनरोल कर सकते हैं। पॉलिटी की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं साइंस के क्लासेस के साथ, तो पूरा का पूरा GS आपको इसके अंदर मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको मैथ्स में क्लासेस करनी है, जो नया सिलेबस जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, आप उसके लिए भी क्लासेस कर सकते हैं मैथ्स के बाद से, क्योंकि इसके अंदर सारे जो नए चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी, वो सारे का कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप बिल्कुल आज ही बैच में एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, हैव अ वेरी नाइस डे।